हेलो एवरीबॉडी दिस इज दिगराज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट प्रिंस इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चाइनीज इन्विजन ऑफ 1962 द टॉपिक फॉर दिच यू ऑल आर एक्साइटेड देखो क्या होता है ना कि इस तरह से हम थोड़े से पुराने इवेंट हिस्ट्री के इवेंट्स को पढ़ते हैं जहां कहीं ना कहीं ऐसा है रहता है कि हाँ इंडिया का क्या हुआ था कैसे हुआ था वो चीजें जानने में मजा आता है ठीक है तो अब आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो आपका चैप्टर पढ़ रहे हो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी या फिर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस

आपको बॉर्डर डिस्प्यूट्स के फॉर्म में बेहतर तरीके से देखने को मिलेंगे तो यही पूरी कहानी को हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं अब देखिए टू डेवलपमेंट्स स्ट्रेंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना दो चीजें ऐसी हुई थी जिसने कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के रिलेशंस को क्या किया है बहुत हद तक शेप दिया है क्या है और शेप ऐसे दिया था ना लेकिन वो फ्रेंडली नोट कैसे बदल गया वो आपको क्या है वो चीज आपको यहां पे कनेक्ट करना है तो क्या होता है कि दो जो कारण थे जिनसे हमारे जो रिश्ते हैं उनमें खटास आई वो कौन कौन से थे पहला चाइनीस एनेक्सिशन ऑफ तिब्बत इन 1950 अब इस पे ऐसे सिर नहीं आपको खुजाना है क्यों क्योंकि ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में मैंने पूरा समझाया कि चाइनीज एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत जो उसने इंडिया के और चाइना के रिलेशंस को कैसे खराब किया ठीक है ये पॉइंट ध्यान रहेगा आपको चाएन... ये हमने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया है दूसरा क्या है बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ठीक है एक और जो मेजर फैक्टर ट्रिगरिंग फैक्टर ठीक है जिसने लड़ाई लड़ाई जो जो थी चाइनीज जो हुआ था इंडियन टेरिटरी पे 1962 में उस लड़ाई को ट्रिगर करने में क्या है उस लड़ाई को ट्रिगर करने में यह फैक्टर जो था और प्रोमिनेंट रहा था कहीं ना कहीं अंडर करेंट तो चाइनीज चाइनीजन ऑफ तिब्बत का था और हमारा जो स्टैंड था वो और दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज ये थी जो बाउंड्री डिस्प्यूट थे उसने कहीं ना कहीं क्या कर दिया उसने कहीं ना कहीं आ, इंडिया और चाइना के बीच में सिक्सटी का जो वॉर था उसको ट्रिगर कर दिया था आइए समझते हैं क्या कहानी होती है वहाँ पे ठीक है तो चाइनी चाइना 1950 आपको एंड इट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया कैसे मैटर ऑफ कंसर्न था इंडिया के लिए देखो चाइना जब एग्रेसिव हुआ कहां पे? ये तिब्बत पे ठीक है तिब्बत वाले रीजन पे जब चाइना क्या हुआ एग्रेसिव हुआ ना तो उस समय पे हमें डर क्या हुआ देखो पहले जो हम देखेंगे ना कि हमारे लीडर्स का ये मानना था कि कभी चाइना अटैक नहीं करेगा इंडिया पर वो इसलिए था क्योंकि तिब्बत एक बफर स्टेट की तरह था ठीक है आप देखेंगे तो हमारी चाइना के साथ डायरेक्ट बॉर्डर ही कितनी थी हमारी चाइना के साथ डायरेक्ट बॉर्डर बस इतनी थी अक्साई चीन वाले रीजन के ऊपर कब जब तिब्बत जो था ये वाला जो पार्ट है ना जब तिब्बत ऑटोनॉमस था लेकिन जैसे ही 1950 में तिब्बत के ऊपर हमला होता है तिब्बत अब चाइना का पार्ट बन गया तो ठीक है वी हैव बॉर्डर विद चाइना फिर देखो कितनी बॉर्डर हो गई चाइना के साथ में फिर हमारी चाइना के साथ में सीधे सीधे बॉर्डर इतनी बढ़ गई ठीक है सीधे सीधे इतनी बॉर्डर बढ़ गई अब क्या है तिब्बत और इंडिया के बीच में चीजें सेटल्ड थी पीसफुल स्टेट ठीक है तिब्बत जब ऑटोनोमस था इंडिपेंडेंट था तब तो प्यार मोहब्बत से काम चल रहा था कोई बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं थे अब क्या है अब आप देखोगे तो हमारे लिए चाइनीज एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत एक मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए भी हो जाता है क्योंकि तिब्बत गया तो अब चाइना सीधे हमारे बाजू में आके बैठ गया था और चाइना जो है तो एग्रेसिव रहा है हमेशा ही बॉर्डर पर ठीक है तो इस कारण से क्या है कि चाइनीज एनेक्सेशन जो रहा तिब्बत का इट वॉज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया समझ में आया अब क्या होता है तिब्बतियन

Anti-China activities to take place from इंडिया दलाई लामा को शरण देना चाइना के लिए तो ऐसा रहेगा ना कि ये इंसान हमारे यहां का तो मतलब पंचशील का एग्रीमेंट ध्यान आया क्या था पंचशील का एग्रीमेंट एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सोवरिनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे और आप तो इंटरफेयर कर रहे हो तो चाइना ने क्या बोल दिया चाइना ने 62 टू के और के टाइम पीरियड में क्लियर कर दिया था कि इंडिया हैड वॉयलेटेड दी पंचशील एग्रीमेंट ठीक है इंडिया हैड वॉयलेटेड दी एग्रीमेंट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का जो एग्रीमेंट आपने साइन किया था वो आपने वॉयलेट किया दलाई लामा को शरण दे के ठीक है इस तरह से क्या है चाइना के पास में अब कहने को एक पॉइंट हो गया कहने को एक पॉइंट हो गया अब देखो क्या है वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी उस समय पे कोल्ड वॉर में चल रही थी तो यूएसएसआर वगैरह जो है तो यूएसएसआर और कम्युनिस्ट चाइना ये सब एक तरफ होगा एक ही थाली के चट्टे बट्टे रहेंगे ठीक है और हम जो है नॉन अलाइंड थे हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ नहीं थे कि यूएसए हमारी मदद के लिए आ जाएगा ठीक है कि यूएसए हमारी मदद के लिए आ जाएगा ठीके? तो इस तरह से आपको चीजों को क्या करना है ध्यान में रखना है थोड़ा सा अब क्या है बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना पहला फैक्टर ठीक है विच इज गोइंग टू शेप चाइनीज इंडिया चाइना रिलेशन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ नाइनटीन वो समझ में आया ना पहला फैक्टर क्या था चाइनीस एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत जिसे हमने पिछले वीडियो में भी डिटेल में स्टडी किया है और यहां भी मैंने आपको बता दिया और दूसरा फैक्टर जो था वो क्या था बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना अब इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट कैसे इमर्ज हुआ वो समझो देखो तो मैंने क्या बताया तिब्बत जो था तो तिब्बत एक बफर स्टेट का काम कर रहा था चाइना के साथ हमारी कोई बॉर्डर ही नहीं थी ये थोड़ी सी बस कुछ सौ किलोमीटर की बॉर्डर थी कब जब तिब्बत इंडिपेंडेंट था लेकिन 1950 में सीधा हमारा चाइना के साथ क्या हो गया रिश्ता तय हो गया और एक बहुत लंबी बॉर्डर जो है हमने चाइना के साथ क्या कर ली शेयर कर दी शेयर कर भी रहो कोई दिक्कत नहीं बांग्लादेश के साथ भी हमारी बहुत लंबी बॉर्डर है ठीक है इनफैक्ट बांग्लादेश के साथ ही हमारी सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर होती है लैंड बॉर्डर ध्यान रखना चाइना के साथ सबसे ज्यादा लंबी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं होती है ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी बॉर्डर्स के ऊपर जोग्रफी के खास करके जो कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो बॉर्डर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं ठीक थोड़ा ध्यान रखना अब क्या हो रहा है अब जैसे अगर आप यहां देखोगे तो अब यहां दिक्कत क्या है देखो इंडिया को कोई दिक्कत नहीं थी दिक्कत किसको आई दिक्कत चाइना को आई चाइना इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ठीक है चाइना इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और ये बॉर्डर किसकी थी इंडिया और तिब्बत के बीच की थी ठीक है इंडिया और चाइना के बीच की, की बॉर्डर थी नहीं लेकिन चाइना मानने को तैयार नहीं कि ये ही बॉर्डर थी ठीक है क्या होता है देखो आगे तो इंडिया क्लेम डेट दी बाउंड्री वॉज अ मैटर सेटल्ड इन कॉलोनियल टाइम अब आप कॉलोनियल टाइम में ही देखेंगे तो क्या है कि जॉनसन लाइन एक ड्रॉ कर दी गई थी ठीक है जॉनसन लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी गई थी उसके बाद में क्या है मैकॉनी मैकडोनल्ड लाइन ऐसी भी एक लाइन है कोई बीच में ठीक है फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल अलग है ठीक तो बहुत सारी मल्टीपल लाइन है खास करके ये अक्साई चीन वाले रीजन में इधर आप जैसे देखोगे तो इधर मैकमोहन लाइन है यहां पर मैकमोहन लाइन किसके बीच में तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश जो है ठीक है तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है जो उस समय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहलाई जाती थी वो और तिब्बत जो है तो इनके बीच को सेपरेट करते हुए मैकमोहन लाइन थी जो एक्सेप्टेबल थी तिब्बत को भी और इंडिया को भी लेकिन जब चाइनीज Annexation हो गया ना तिब्बत का तो इंडिया जो कह रहा था कि हमारी बाउंड्रीज जो हैं ये वाली जो बाउंड्री जो नई खुली है पहले इंडिया चाइना कितनी बाउंड्री थी उसके बाद में जो नए चाइना की मतलब तिब्बत के Annexation के बाद जो चाइना आया उसकी और इंडिया की बाउंड्री जब बढ़ी तो इंडिया क्या कहता था कि अपनी बाउंड्री डिस्प्यूट्स कुछ होना नहीं चाहिए भैया हमने सब कॉलोनियल टाइम पीरियड में ब्रिटिश थे ना तभी सेटल कर लिया था चाइना बोलेगा कौन ब्रिटिश हम नहीं जानते थे और ब्रिटिश के टाइम में अगर आपने सेटल भी की होगी तो तो पुरानी गवर्नमेंट गवर्नमेंट थी ये तो है नया चाइना है ठीक है तो इस कारण से क्या है कि चाइना सेट दैट दैट दे एनी कॉलोनियल डिसीजन डिड नॉट अप्लाई टू दी अप्लाई टू दी कम्युनिस्ट चाइना कम्युनिस्ट चाइना को कोई भी कॉलोनियल लॉ जो है कोई भी कॉलोनियल डिसीजन जो है वो अप्लाई नहीं होता है ठीक है चाइना क्लेम्ड टू एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी और चाइना ने इसी चीज का हवाला देते हुए कि हमारी बॉर्डर सेटल नहीं हुई है और उनको बॉर्डर भी बाद में याद हुई सुनो मेरी बात एक चीज बताता हूँ बहुत अच्छी क्या होता है कि फिफ्टी जैसे फोर्टी नाइन में कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ जाती है और वो बॉर्डर का मुद्दा कब उठाएंगे 1960 1960 में 1960 में बॉर्डर का मुद्दा उठाएंगे और उनसे पूछा गया कि अब अब नींद खुली तुम्हारी तो क्या बोलते हैं कि हाँ हम हाँ, दूसरे मैटर्स में एंगेज थे क्योंकि 1959 तक टोटली क्या होता है पूरी तरह से उन्होंने तिब्बत को एनेक्ट कर लिया था ना तो उसके बाद अब उन्हें लालच आ गई कि अब तिब्बत तक पहुंच गए तो पाम तो ले लिया तो फाइव फिंगर भी ले लिया जाए ठीक है तो इस तरह से लालची है चाइना वाले ठीक है यहां तक कहानी समझ में आई ना आपको तो आप क्या है कि चाइना क्लेम टू विद विदिन द इंडियन टेरिटरी चाइना ने अब बोला कि 60 में 1960 में जाके बोल रहे हैं कि भैया दो एरियाज जो है ना वो इंडियन टेरिटरी में है और वो हमारे हैं ठीक चाहे इंडिया का इंडिया का जो स्टैंड था वो शुरुआत से ही बहुत सीधा क्लियर था क्या क्लियर था इंडिया का स्टैंड इंडिया ने बोल के रखा था कि कॉलोनियल टाइम पीरियड में सब सेटलमेंट हो गया है अब बीच बीच में ऐसा जब याद आएगी तब बाउंड्री मांगने मत आया करो आप ठीक है लेकिन चाइना का ये कहना है कि हम कॉलोनियल डिसीजन को मानते ही नहीं है ठीक है और हम हमारे इंटरनल मैटर्स में उलझे हुए थे अब हमें बॉर्डर सेटल करना है इंडिया के साथ में ठीक है बॉर्डर सेटल भी कर लेंगे प्यार मोहब्बत से अगर होगी तो ठीक तो उन्होंने दो रीजन की डिमांड करी अक्साई चीन एरिया इन लद्दाख रीजन तो ये पूरा अक्साई चीन रीजन वो मांग रहे हैं ठीक है अक्साई चीन रीजन कौन मान रहे हैं तो अक्साई चीन रीजन मांग रहा है कौन चाइना और उसके बाद में ये वाला जो एरिया आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है ना ये आज तो हमारे पास है होपफुली ठीक है लेकिन क्या है चाइना क्लेम कर रहा है चाइना क्या बोल रहा है स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन व्हाट वाज देन कॉल्ड नेफा तो आज अरुणाचल प्रदेश कह रहे हैं उस समय नेफा कहा जाता था नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी अब थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करो चैप्टर वन में जो हमने लास्ट में कह सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड क्रिएशन ऑफ स्टेट पढ़ा था तो वहां पर स्टेट रिओर्गेनाइजेशन बताया था अब मैंने आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के मेजर टाइम पीरियड्स बताए थे वो सेवेंटी वन में स्टेट में चुटपुट चुटपुट स्टेट्स को को हम क्या करते रहे यूनियन टेरिटरीज बनाना ये वो 71 में एक बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन होता है नॉर्थ ईस्ट में ठीक है तो उस तरह से क्या है स्टेट रिओर्गेनाइजेशन भी चाइनीस वॉर से ही जुड़े हुए हैं मतलब चाइनीज इन्वेशन से ही जुड़े हुए हैं समझेंगे तो खैर कहानी क्या है यहाँ पे कि चाइना वो डिस्प्यूट जो है तो उसको उठाया जा रहा है क्या उठाया जा रहा है कि चाइना कहता है कि कॉलोनियल टाइम पीरियड में जो बॉर्डर सेटल हुई मैं उसे नहीं मानता हूं और दो रीजन वो क्लेम करता है एक्साइज चीन के और नेफा के ठीक है ये दो रीजन वो क्लेम करता है कौन चाइना इंडिया दे देगा क्या नहीं इतनी आसानी से क्यों देंगे ठीक है इनफैक्ट आप एक बहुत इंटरेस्टिंग वो बताता हूं कि जवाहरलाल नेहरू एक बार पार्लियामेंट में अपना स्टैंड क्लियर करते हुए बोलते हैं वो कि वी आर फाइटिंग ऑन दी बैरन लैंड ठीक है जहां पे मतलब क्रॉप का कुछ एक कतरा भी पैदा नहीं होता है हम उस चीज के लिए लड़ रहे हैं मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि उस जमीन के लिए लड़ने से क्या मतलब है जिस जहां पे एक कतरा भी पैदा नहीं होता है पूरा बैरन है ठीक है बंजर जमीन है तो वहां पे पता है पार्लियामेंट में एक लीडर क्या कहते हैं ऐसे तो मेरे सिर पे भी एक बाल नहीं है तो क्या इसका मतलब है मेरा सिर

एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल अभी मैकमोहन लाइन है कि इसके आगे ये जो एरिया अरुणाचल प्रदेश का वो इंडिया के पास में लेकिन वो क्लेम चाइना कर रहे हैं आपने देखा होगा तवांग रीजन जो है यहाँ पे क्राइसिस डेवलप हुए होंगे रिसेंटली अभी आपने आ, मतलब रिसेंटली पिछले दो तीन सालों में आप देखोगे तो जो क्राइसिस हुए डोकलाम तवांग डोकलाम पे भी बताऊंगा मैं आपको कुछ थोड़ा सा ठीक है तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं ठीक है ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं तो डिस्प्यूट्स एंड कंफ्लिक्स तो डिस्पाइट अ वेरी लॉन्ग करस्पॉन्डेंस एंड डिसीजन अमंग टॉप लीडर्स दीज डिफरेंसिस कुड नॉट बी रिजोल्व

देखो क्या होता है कि जो रियलिस्ट थे रियलिस्ट लीडर्स जैसे मैंने बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी शुरू से आर्गुमेंट था कि चाइना को हल्के में नहीं लेना है बहुत बदमाश है है ठीक तो उन लोगों ने पहले से बोल के रखा था कि हमें क्या करना पड़ेगा मिलिटराइज करके रखना पड़ेगा बॉर्डर्स को बॉर्डर की सिक्योरिटी टाइट करना पड़ेगी इनफैक्ट नाइन के पहले ही लद्दाख वाले रीजन में पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी थी चाइनीज सोल्जर्स वगैरह ने जैसा आप देखेंगे अभी जो रिसेंट क्राइसिस हुए कि वो चाइनीज फोर्स आगे एग्रेसिव होती है जो बॉर्डर्स उसके आगे आने की कोशिश करती है ठीक है तो तब से ही करना स्टार्ट कर दिया था ठीक तो

ज फोर्सेज अरुणाचल वे रीजन में ठीक है अरुणाचल रीजन में विद इंडियन फोर्स कुड ब्लॉक इन लद्दाख इन दी चाइनीस मैनेज टू एडवांस नियरली टू दी पॉइंट बताया वेस्टर्न पार्ट पे थोड़ा सा हमने टक्कर दिया लेकिन वेस्टन पार्ट पे भी ज्यादा लंबे समय तक हम टक्कर दे नहीं पाए थे क्यों क्योंकि वेस्टर्न पार्ट पर भी एक्साइज चीन वाला रीजन जो ऑक्यूपाई करेगी चाइनीज फोर्सेज फाइनली चाइना डिक्लेयर एन यूनिलेटरल सीज फायर एंड इट्स बिफोर द इन्वेशन बिगन ठीक है अब फिर क्या होता है जैसे अगर आप देखेंगे तो चाइनीज ट्रूप जो है अब चाइना ने एक तरह से इंडियन सोल्जर्स को परस्त किया हमारे बहुत सारे सोल्जर्स शहीद होते हैं ठीक है हमारे रिसोर्सेज खत्म होते हैं हमारे पास में तैयारी नहीं थी उस तरह से चलते तो चाइनीज फोर्स बहुत ज्यादा अंदर की तरफ आ गई थी ठीक है यहां भी जैसे देखोगे तो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके ज्यादा अंदर तक आ गई थी फिर वो पीछे विद्रॉ भी करती है यहां से लेकिन एक्साइचीन वाला रीजन उसके पास रख लेती है अरुणाचल प्रदेश में भी काफी अंदर आ जाती है फिर रिट्रीट कर जाती है ठीक है फिर रिट्रीट कर जाती है तो ये आपको चीजें ध्यान रखना है कि चाइनीज फोर्सेस ने क्या एक तरह से अब सच है कड़वा है मगर सच है कि इंडियन फोर्सेस को क्या कर दिया था बहुत बुरी तरह से परास्त कर दिया था को बहुत बुरी तरह से परास्त कर दिया था यहां तक चीजें समझ में आई ना आपको तो जो इंपैक्ट निकल के आता है ठीक है वो इंपैक्ट यह निकल के आता है चाइना वॉर डेंटेड इंडिया इमेज एट होम एंड अब्रॉड ठीक है तो इंडिया की जो इमेज थी ना वो बहुत बुरी तरह से एक तरह से खराब होती है तो वी वर नॉट इन टू प्रिडिक्ट कर पाए मिलिट्री जनरल थे तो वी कृष्णा मेनन जो उनका, नाम ध्यान नहीं है मुझे। उनका मानना था कि, थे, तो थे, तो उनका ये मानना थे कि नहीं लड़ाई नहीं होगी चिंता मत करो हमारे लिए बड़ा खतरा है पाकिस्तान है तो हम भी उस समय पाकिस्तान पे फोकस कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान भी क्या है प्रयास में लगा हुआ था कैसे कश्मीर में घुसा जाए ठीक है तो उस समय पे हम चाइनीज फ्रंट जो है उसे उतना अच्छी तरह से गार्ड नहीं कर पाए थे इनफैक्ट मैंने बताया ना पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या कर रही थी गार्ड कर रही थी फिर क्या होता है इंडिया हैड टू अप्रोच दी अमेरिका अमेरिकन एंड ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू टाइड ओवर दी क्राइसिस अब देखो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो मैंने आपको बताया ना कि कुछ हमारे लीडर्स से कहते थे वेस्टर्न ब्लॉक के साथ जाना चाहिए वो ये देते थे कि चाइना जो ईस्टर्न ब्लॉक का पार्ट है तो ईस्टर्न ब्लॉक हमारी उतनी मदद पर नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे एनसीआर में एक ही एंगल दिया गया दूसरा एंगल भी मैं आपको बताता हूं देखो हमने अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगी तो इनने मदद हमारी ऐसी नहीं की लो मैं आ रहा हूं लड़ूंगा तुम्हारे साथ ठीक है उन्होंने यूनाइटेड नेशन वगैरह में क्या है थोड़ा सा इंटरवीन करके पीस सेटलमेंट को कह सकते हैं कि इनिशिएट करवाने का प्रयास किया ठीक पीस सेटलमेंट को इनिशिएट कराने का प्रयास किया लेकिन सोवियत यूनियन के पास हम गए तो सोवियत यूनियन ने मतलब डायरेक्टली कोई हमारी मदद ऐसी नहीं करी क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी लेकिन यहां पे सोवियत यूनियन ने न्यूट्रल रहते हुए भी हमें क्या है सप्लाई जरूर किए थे यहां पर सिक्स में एक चीज ध्यान रखना है ठीक है कि एक वेपन जरूर सप्लाई किए थे सोवियत यूनियन ने खैर अमेरिका ब्रिटिश मिलिट्री असिस्टेंस की जरूरत लेना पड़ी तो यहां पर मतलब एक तरह से वो भी है कि उनका ऐसा बोलना आ गया हमारे पास ठीक है वोला एंगल हो गया फिर क्या है नेहरूज क्लोज असोसिएट एंड द डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णा वी कृष्णा हैड टू लीव कैबिनेट अब क्या होता है तो उस समय पे जो थे, वो कौन थे uh, उस समय कृष्णा जवाहरलाल नेहरू के बहुत फेवरेट टाइप से थे. अब क्या होता है बाद में अपना पोस्ट छोड़ना पड़ा ठीक है पोस्ट छोड़ना पड़ा जैसे अधिकतर देता कोई रेल हादसा हो जाता तो रेल मंत्री इस्तीफा देते दे थे तो वैसे ही बोला कि यार मैं डिफेंस मिनिस्टर होते हुए चीजों को संभाल नहीं पाया ठीक है सेसमेंट ठीक है नेव असमेंट मतलब क्या है कि जो अनुभवहीन रहता है ना मतलब बोलते हैं कि आपने सही तरीके से वो नहीं कर पाया डिसीजन नहीं ले पाया ठीक है नॉट सो मैच्योर डिसीजन तो

दी सीट्स खोदी मतलब कांग्रेस की हार होने लगी यहां पे तो दी पॉलिटिकल मूड ऑफ दी कंट्री हैड बिगन टू चेंज और इस तरह से जो बोलते हैं ना वन पार्टी डोमिनेंस खत्म कब होगी 67 में लेकिन उसकी रूट आप जाओगे तो पीछे आते चले जाएगी खैर ये जो हुआ था ना तो क्या बोल सकते हैं इसका डैमेज कंट्रोल कहां होता पता है है 65 के वार में। 65 के वॉर वॉर में में ठीक जिसे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से डैमेज कंट्रोल हो पाता है क्यों क्योंकि 65 के वॉर में पाकिस्तान ये सोचता है कि चाइना ने हरा दिया हम भी हरा देंगे हम पछाड़ देते हैं चाइना मतलब पाकिस्तान को सिक्सटी के वॉर में और सिक्सटी फिर सिक्सटी टू तक आप देखोगे तो हैवी इन्वेस्टमेंट किया जाता है किस चीज में वेपन वगैरह में क्योंकि फिर समझ आ गया था फिर अप्रोच रियलिस्टिक हो रही थी कि कोई भी हो दूसरों के कंधों पर सिर्फ जनाने जाते हैं ठीक है वॉर्स जो है वो खुद के कंधे पर लड़ी जाएगी तो उसकी तरह से क्या है उस चीज को ध्यान में रखते तो हुए इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा अपने आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था सिक्सटी के वॉर के बाद इनफैक्ट फिर जैसे सोवियत यूनियन ने बताया ना मिलिट्री प्रिपेयरनेस में हमारी मदद करी थी और उसकी मदद से ही हम क्या करते हैं कि सिक्सटी का वॉर हरा पाते हैं ठीक वी कृष्ण मेनन के बारे में कुछ बताया गया डिप्लोमेट एंड मिनिस्टर एक्टिव इन लेबर पार्टी इन यूके बिटवीन यूनाइटेड किंगडम से कनेक्शन थे इनके और ठीक फिर क्या होता है इंडियन हाई कमिश्नर इन यूके एंड लेटर हेड ऑफ इंडियाज डेलीगेशन टू यूएन पढ़े लिखे थे व्यवस्थित थे इस कारण से नेहरू की और जवाहरलाल नेहरू की और इनकी पटती थी काफी अच्छी ठीक है राज्यसभा एमपी रहे फिर लोकसभा एमपी बने मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट 1956 से डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया 57 में कंसीडर्ड वेरी क्लोज टू नेहरू ठीक है एंड रिजाइन आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर इन 1962 तो 1962 के वॉर के बाद में इन्होंने रिजाइन करना पड़ा इन्हें क्लियर अब सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द अपोजिशन एज़ वेल ठीक है अपोजिशन एज़ वेल मतलब क्या है कि आप जैसे देखेंगे मैंने आपको क्या बताया है कि सोवियत आपको थोड़ा ध्यान थो टॉपिक पढ़ा था तब वहां पे ये सारी कवर करी मैंने एक बार और. क्या? कि और जो है तो, सोवियत जो इस टाइम पीरियड तक मिखाइल गौरबर्य वगैरह आ है तो वो क्या है पीसफुल को की बात करने लगा था सोवियत यूनियन वेस्ट के साथ में चाइना एक्सट्रीम पॉइंट में था अंडर माओ जिदांग ठीक है तो चाइना का क्या कहना पड़ रहा था चाइना का यह कहना पड़ रहा था कि नहीं हम तो जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसको नहीं छोड़ेंगे कोई पीसफुल को एक्स्टेंस की बात नहीं करना है आ, किसके साथ में वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में ठीक है वो वो स्थिति थी, वो स्थिति थी थी बनी हुई तो सीनो इंडियन एंड एंड ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन चाइना सोवियत यूनियन क्रिएटेड ई रिकनसाइलेबल डिफरेंसिस विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ठीक है तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना तो उसके अंदर क्या हुआ उसके अंदर फिर जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कंफ्यूज हो गए कि यार हम हमारी पार्टी जो हमारी आइडियोलॉजी वो तो चाइना के साथ जुड़ी हुई है और हमारा देश जो है वह चाइना के साथ लड़ रहा है हम किस तरफ जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर फिर दो मत के लोग हो गए एक वो थे जो कांग्रेस का साथ दे रहे थे ठीक है दी प्रो यूएसएसआर फ्रैक्शन अब क्योंकि उस समय पे चाइना और यूएसएसआर की भी नहीं बन रही थी 64 का टाइम पीरियड ध्यान हो तो मैंने बताया था ठीक है तो अब क्या है कि चाइना और यूएसएसआर की भी नहीं बन रही है? तो उसके चलते क्या है कि जो प्रो यूएसएसआर वाला फ्रैक्शन था ना दे रिमेन विद इन दी सीपीआई एंड मूव टूवर्ड्स मूव टूवर्ड्स क्लोजर टाइज विद कांग्रेस तो वो कांग्रेस के नजदीक गए उन्होंने ऐसा लगा कि नहीं यार देश लड़ रहा है तो हमें देश का साथ देना चाहिए ठीक है और वो यूएसएसआर का करने वाला ब्लॉक था तो उन्होंने सोचा कि यूएसएसआर चाइना के बीच में जो ड्रिफ्ट आ रही तो हम तो यूएसएसआर के साथ रहेंगे का ना टिल्टेशन और इंडिया का टिल्टेशन दोनों का एक दूसरे के टुवर्ड्स था ठीक है तो जो प्रो यूएसएसआर फ्रैक्शन था या फिर हम ऐसे कह सकते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर वो सेक्शन जो

प्रो और अब दिखती बात है कि आप मतलब ये लगा सकते हो ना कि यार हमारे तो सोल्जर शहीद हो रहे हैं और का सपोर्ट करो दिखती है मार्क्सिस्ट बनती है तो। तो उसके बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया और आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया कि प्रो चाइनीज लीडर्स है ठीक है प्रो चाइनीज लीडर्स है अरेस्ट करो ये हुआ फिर क्या होता था वॉर विध चाइना एंड दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अब देखो आपको ये पॉइंट को बहुत स्पेसिफिकली क्या करना पड़ेगा पड़ेगा ध्यान देना कि जो वॉर हमारी चली किसके साथ में जो चाइना के साथ में वॉर चली तो उसने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो उसके तरफ हमारा कंसर्न और बढ़ा दिया ठीक है अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि तिब्बत है ऊपर तिब्बत पीसफुल है इधर म्यांमार छोटा सा देश है कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी अब देखो यहां देखो चाइना यह तक। यहां तक यहां है? तो है अभी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है में अलग होगा ठीक है ये ईस्ट पाकिस्तान था तो हमें डर ये था कि चाइना और पा... अगर चाइना ये यह यहां आ गया है ठीक है तिब्बत को कब्जा करने के बाद में तो वो जो सिलीगुरी कॉरिडोर है उसको अगर इन दोनों ने मिलकर ठीक है ईस्ट पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर अगर काट दिया तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का क्या होगा क्यों क्योंकि ऊपर से जो इन्वेजन हुआ था ना जो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को क्लेम कर रहा था कौन चाइना वो भी क्या था अपने आप में बहुत ज्यादा डाउटफुल था कि चाइना के इंटेंशन पता नहीं क्या है वो क्या क्या चाह रहा है पूरा नॉर्थ ईस्ट तो ना ले जाए ठीक है तो इसके चलते क्या है दी वॉर विथ चाइना एंड इंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो उसका जो कंसर्न था थे वो हाईलाइट होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के वॉर विथ चाइना अलेटेड द इंडियन लीडरशिप टू दी वोलेटाइल सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन इनफैक्ट हो कह रहा था कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है अभी आप रीजनल एस्पिरेशन के बारे में पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में में तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी क्या है नागालैंड में जो कह सकते हैं कि नागा लिबरेशन फोर्स वगैरह है वो नागालैंड की आजादी की बात कर रहे हैं तो अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है ठीक है यहां पे सिचुएशन जो है तो वॉलेटाइल बहुत ज्यादा थी इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आया कि नॉर्थ ईस्ट बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और चाइनीस एग्रेशन के बाद में हमें नॉर्थ ईस्ट पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ी ठीक है तो क्या होता है अपार्ट फ्रॉम आइसोलेटेड एंड एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड रीजन ऑल्सो प्रेजेंटेड इंडिया विद द चैलेंज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल यूनिटी तो वो नेशनल इंटीग्रेशन पे सवाल आ गया था कि ऐसा ना हो जाए कि ये काट दिया जाए नॉर्थ ईस्ट को हमसे अलग और नॉर्थ ईस्ट अगर कटता है हमसे तो वो क्या होगा वो हमें उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी की? मतलब आप कंट्री आपकी डिसइंटीग्रेट हो गई फिर तो कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो सकता था ना तो ये इन सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए द प्रोसेस ऑफ इट्स रीऑर्गेनाइजेशन बिगेन सून आफ्टर द चाइना वॉर ठीक है तो चाइनीज वॉर के बाद में जैसे अगर आप देखेंगे तो जो यूनियन टेरिटरी का पार्ट था ठीक है उसमें से फिर आप क्या करते हैं अलग अलग स्टेट्स को काव आउट कर दिया गया कुछ स्टेट्स को क्या कर दिया गया लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई है ये सारी चीज हमने कहा पढ़ी है जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट वाला टॉपिक पढ़ा था कहां पर चैप्टर वन में ध्यान है तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में रीऑर्गेनाइजेशन जो है तो सेकंड वेव में स्टार्ट होता है सेवेंटी वाला मेजर टाइम पीरियड रहता है ठीक ैंड वॉज स्टेटहुड मणिपुर एंड त्रिपुरा स्टार्टिंग में तो इस तरह से जो रहा 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर रहा तो उसका इंपैक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे भी पड़ा उनका रीऑर्गेनाइजेशन पे भी पड़ा वो भी एक स्ट्रेटेजिक मैटर ऑफ कंसर्न था देश की इंटरनल टेरिटरी वगैरह को समझने के लिए अब देखो टॉपिक सारे हमारे कवर हो गए जो उस हेडिंग के अंदर में दिये हुए हैं चाइनीज लेकिन एक और टॉपिक जो फास्ट फॉरवर्ड में है वो क्या है वो वो क्या ये आपको समझना है कि सीनो इंडियन रिलेशन सिंस नाइनटीन सिक्सटी टू के बाद में किस तरह से इंडिया और चाइना के रिलेशन इवॉल्व हुए वो जानना वो समझना भी जरूरी है कैसे तो देखो इट टूक मोर देन अट फॉर इंडिया एंड चाइना टू रिज्यूम नॉर्मल रिलेशन एक दशक लग गया 62 से आप देखोगे तो 70 के टाइम पीरियड तक क्या होता है हमने हमने कोई रिलेशन नहीं रखे हमने बोल दिया इन्होंने धोखा किया पीट पे छुरा मारा ठीक है थीके? कोई दोस्ती नहीं रखना है तो हिंदी चीनी भाई भाई जो था वो हिंदी चीनी बाई बाई में कन्वर्ट हो गया क्लियर फिर क्या होता है बातें चालू होती है ठीक है बातें चालू होती है और इट वॉस इन सेवेंटी सिक्स फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो था वो किया गया ठीक है क्या होता है तो आप देखेंगे कि यहां पे देखो चीजें कैसे अनफोल्ड होती है वो भी जानना समझना जरूरी है 67 तक तो क्या रहा वन पार्टी डोमिनेंस रहा कांग्रेस ने मुंह की खाई थी ठीक है किसमें इंडिया चाइना वॉर में तो कांग्रेस तो दोस्ती रखी गई नहीं ठीक है 67 से क्या होता है तो कांग्रेस का ब्रेकडाउन हो रहा है लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं हुई थी

पहली बार क्या होता है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है उस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी तो अटल बिहारी वाजपेयी वॉज दी फर्स्ट टॉप लेवल लीडर ठीक है टू विजिट चाइना इन 1979 आफ्टर जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू गए थे आखिरी बार उसके बाद में क्या दिक्कतें हो गई क्या दिक्कतें हो गई कि उसके बाद हमने ये देखा कि ये वॉर्ड सारा सब कुछ हो गया हमने डिप्लोमेटिक कट आउट कर दिए फिर रिस्टोर जैसे जैसे होते हैं तो धीरे से क्या होता है टॉप लेवल टॉप लेवल लीडर जो जाते हैं चाइना वो कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी थे ठीक है लेटर राजीव गांधी बिकेम दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू टू विजिट चाइना और प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के बाद में जो अगले प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो कौन जाते हैं वो uh, राजीव गांधी जाते हैं ठीक है राजीव गांधी चाइना जाते हैं फिर और फिर इस तरह से क्या है कि फिर हम को करते हैं। तो लिबरलाइजेशन के बाद ट्रेड रिलेशन बिटवीन दी टू कंट्रीज तो वो इकोनॉमिक डायमेंशन आ गया समझ में आया यहां तक तो ये पूरी कहानी रही है अब देखो एक बार थोड़ा सा समराइज कर ले मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो लेकिन अगर समराइज करें तो दी चाइनीज इन्वेजन ऑफ 1962 सिक्सटी टू तो चाइना एग्रेसिव रहा चाइना के इंटेंशन को हम कभी भी वो नहीं कर पाए कि सही तरीके से एसेस नहीं कर पाए ठीक है इट वॉज नेव अट ऑफ जवाहरलाल नेहरू आइडियलिस्टिक ज्यादा रहे हम क्लियर वो सारी समस्याएं थी उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो उसके बाद में आगे और क्या समस्याएं आती है उसके बाद में आगे और समस्या देखोगे तो जो चाइना का एनेक्सेशन तिब्बत का हुआ उसने हमारी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया और दूसरा जो अनसेटल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे उसने हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा दिया ठीक है उसके इंपैक्ट क्या रहे ठीक है जिस तरह से हमारा लॉस हुआ वॉर में वॉर में हम हारे ठीक है हमारे सोल्जर्स शहीद हुए वो सारी समस्याएं फिर चाइनीज मतलब चाइना के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन का कट ऑफ करना और फिर धीरे से ट्रैक पे आना तो ये चाइनीज इन्विजन और कह सकते हैं कि जो चाइना है तो पीस एंड कंफ्लिक्ट विध चाइना तो मैंने आपको पीस वाला एंगल भी समझाया है कंफ्लिक्ट वाला एंगल भी समझाएं कंफ्लिक्ट के बाद में हम पीस पे फिर आते हैं फिर कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं छोटे-मोटे बॉर्डर डिस्प्यूट्स जिसे अभी आप रिसेंटली देखोगे तो क्या है कि चाइना जो है ना देखो चाइना बड़ा बहुत चालाक सा है चालाक सा कैसे कि पहले वो इधर आया ठीक है तो यहां पे जैसे तवांग रीजन वगैरह ये इस पे क्लेम करता था

जो फॉरन पॉलिसी रही है ठीक तो है थीके? जो चैप्टर है आपका इंडिया पॉलिसी तो इंडिया फॉरन पॉलिसी को हम तीन चार डायमेंशन समझने वाले हैं एक तो हमने देख लिया कि हमारी पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की उसके बाद में हमारे जो नेबर है उनके साथ जो हमारे कंफ्लिक्स रहे

और उस बीच में पीस इंश्योर करने का प्रयास भी किया तो वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान से ये को ऐसी है। चलो तो देखो डिस्प्यूट ऑन कश्मीर ठीक है तो स्टार्ट कहां से होता है पाकिस्तान के साथ जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो इट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर दी पार्टीशन अब आपको इतनी चीजें पता है और बुक वन में भी पढ़ के हो फिर भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ देते चलता हूं विभाजन हुआ देश का मतलब आजादी तो मिली लेकिन आजादी किस कीमत पर आई कि हमारे देश के दो टुकड़े हुए कैसे कि पाकिस्तान एक हमें अलग निकालना पड़ा इंडिया से तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान वो पाकिस्तान अलग हो गया अब पाकिस्तान अलग हो गया वहां तक ठीक था हमने जो टेरिटरी दी पाकिस्तान को उसमें खुश रहना चाहिए था लेकिन जो कश्मीर का इशू था ठीक है ये कश्मीर का जो इशू था वो क्या है अनरिजॉल्व था क्यों क्योंकि कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था अब कश्मीर प्रिंसली स्टेट तो प्रिंसली स्टेट के पास तीन ऑप्शन दे कैन विद पाकिस्तान और इंडिया और रिमेन इंडिपेंडेंट तो कश्मीर के राजा ने 1947 सेवन तक किय नहीं कर पाए कि किधर किधर जाना जाना है जाना है है उनको ठीक वो तय नहीं कर पाए और पाकिस्तान जो है पाकिस्तान कश्मीर को अपना पार्ट मानने लगा क्यों क्योंकि यहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन रहती थी तो उसके चलते क्या है कि जब पाकिस्तान ने अपने तरफ से क्या है इनफिल्ट्रेटर्स को पहुंचाना चालू किया ठीक है इन्फिल्ट्रेटर को मतलब उसने अपनी तरफ से लोगों को बोल दिया ट्राइब्स को बोल दिया जाओ रहो और ट्राइब्स भी इतनी हिम्मत नहीं कि दूसरे की टेरिटरी में घुस जाए लेकिन पाकिस्तानी आर्मी सपोर्ट कर रही थी तो इनफिल्ट्रेशन चालू हुआ ना तो तब राजा हरि सिंह को डर लगा कि भैया ये तो तो कश्मीर मेरे हाथ से निकल जाएगा तो उन्होंने बोला कि ये, है, ये तो इससे बेहतर है कि मैं इंडियन आर्मी का साथ ले ना तो राजा हरि सिंह ने बोला कि आप कश्मीर को थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस दे देना और मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देता हूं कश्मीर को हम इंडियन यूनियन का पार्ट बना देते हैं फिर देखो इंडियन आर्मी ऑन एक्शन मोड ठीक है तो इंडियन आर्मी ने फिर क्या किया एक तरह से जो इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे इनको मार पीट के भगा दिया ठीक है तो आप जैसे देखेंगे तो हमारे रिलेशन जो स्टार्ट हुए तो पार्टीशन के घाव थे और वो पार्टीशन के घाव के ऊपर ये डिस्प्यूट्स थे किसको खास करके कश्मीर को लेकर के ठीक है तो प्रॉक्सी प्राक्स, वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द इंडिया इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्मीज इन कश्मीर ड्यूरिंग द 1947 इटसेल्फ

To the ये जो कश्मीर का इशू है उसको यहां पर सही किया गलत किया दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ्यूमेंट दोनों तरफ के जो हैं। उन्हें हम सुनते हैं और फिर अपनी समझते हैं आपको चीजें ठीक है तो क्या है कि, war, जो प्रोक्सी वॉर थीट टर्न इंटू फुल वॉर दूसरे में मुद्दे को प्लेस कर दिया गया कि देखो भैया ऐसा है कश्मीर में पाकिस्तान मानी रहा है इंडिया का कश्मीर पार्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हिसाब से अब जो है यूनाइटेड नेशन मुद्दे को समझाए जवाहरलाल नेहरू ने मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में प्लेस कर दिया अब देखो यूनाइटेड नेशन में आप गए हो वहां आपकी पहचान भी होना चाहिए पहचान इन द सेंस कि यूनाइटेड नेशंस जो है तो इट वाज डोमिनेटेड बाय हुम इट वाज डोमिनेटेड बाय यूएसए ऐसा समझा जाए अगर ठीक है वेस्टर्न अलायंस जो है तो वेस्टर्न अलायसेस का वो है हमारे रिलेशन कोई उतने अच्छे थे नहीं ठीक है हमने नॉन अलाइनमेंट को चालू करके वैसे ही क्या दोनों ब्लॉक्स को एक तरह से क्या कर दिया था नाखुश कर दिया था क्लियर है तो वो इंटरनेशनल कंटेक्ट समझा रहा हूं वो सिनेरियो था अब हमने यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा प्रेजेंट किया तो देखो अब यहां पे हैश टैग ओपिनियन एक्सपर्ट ऑन दिस लेकिन फिर भी बता रहा हूं ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि यूनाइटेड में मुद्दा प्लेस कर दे तो उससे ऐसा है कि यूनाइटेड नेशन ने क्या बोल दिया सीज फायर लाइन ड्रॉ कर दी कि जो आज जितना कश्मीर में घुस गए थे ठीक है उतना वो वहीं पर रुक जाए ज्यादा अंदर ना आए तो यह अच्छा हुआ कि वो ज्यादा अंदर ना आए इसके लिए रोक दिया वहां पर दूसरा है कि in अंदर हैं, उनको पीछे तक खदेड़ देते हैं लेकिन क्या है कि वो यूनाइटेड नेशन मुद्दा जाने से क्या है लाइन हाँ तो ड्रॉ कर दी मतलब तो, गई कि जो जहां है स्टेच्यू टाइप से ये स्थिति आ गई ठीक है ये स्थिति आ गई लेकिन डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हुआ अभी डिस्प्यूट अभी भी कि कि कश्मीर किधर जाएगा आधा उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया हम ये कहेंगे हम कहेंगे दिस इज दी पाकिस्तान

ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर यह प्रोविजन था कि प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स होंगे वो तय करेंगे कि उन्हें मिलना है या नहीं मिलना है किसके साथ में इंडियन यूनियन के साथ में या पाकिस्तानी यूनियन के साथ में ठीक है और इंडिपेंडेंट रहना तो इंडिपेंडेंट रह लो राजा हरि सिंह ने बोला कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं खूब रहो ठीके? पाकिस्तान के लोग जो है घुसपेटिया घुसने लगे ठीक है वो गलत किया अब वो पाकिस्तान और कश्मीर के बीच का मुद्दा था इंडिया क्यों इंटरवीन करे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर ने क्या बोल दिया कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है हमने बोला ठीक है इंडिपेंडेंट रहो लेकिन जब इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो गई तो राजा हरि सिंह ने क्या बोला कि मैं इंडियन यूनियन के साथ जुड़ूंगा तो अब तो ये इंडियन यूनियन का पार्ट हो गया ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के चलते तब तो फिर क्या इंडियन यूनियन मारेगी पीटे भगाएगी जितने भी लोग इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं पाकिस्तान को क्लेम ही नहीं करना चाहिए लीगली

फिर होता क्या है कि पाकिस्तान जो है ना सून इमान क्रिटिकल फैक्टर इन इंडिया लेकिन हमारे पाकिस्तान के साथ में जो वॉर्स वाले नोट पे रिलेशन स्टार्ट हुए ना तो उस रिलेशन ने हमारी फॉरेन पॉलिसी को हमारे रिलेशन को यूएस के साथ भी इंफ्लुएंस किया बाद में चाइना के साथ भी इंफ्लुएंस किया कैसे वो चीज समझो तो देखो यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड स्टेट जो है ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसने जो अलायंस सिस्टम बनाया था तो हम तो नॉन अलाइंड थे हम किधर नहीं जाएंगे लेकिन पाकिस्तान जो था चटोरा था वो किस तरफ चले गया पाकिस्तान चले गया यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ क्यों क्योंकि उसे दिख रहा था यूनाइटेड स्टेट्स के पास में क्या है पैसा है पावर है वेपन वेपन दे, दे देंगे और उनको वेपन की जरूरत थी क्योंकि उनके लिए तो एक ही ऑब्जेक्टिव रह गया था क्या है? कि कश्मीर में आना है ठीक है तो इस तरह से क्या है इस तरह से आप समझोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स का अलाय बन गया पाकिस्तान सीटो सेंटो ज्वाइन कर लिया ठीक है तो उसके चलते क्या है कि अब हमारे और पाकिस्तान के बीच में कंफ्लिक होंगे तो दिखती बात है कि यूएसए किसका साथ देगा जो उसका अलाय होगा कौन पाकिस्तान उसका था। तो में, में तो स्टार्ट तो। हुए, हुए तो अब दिखती बात है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे क्लियर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अब देखो रिलेशन स्टार्ट बहुत अगली नोट पे हुए थे ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमारे रिलेशन जो हैं तो पूरी तरह से ही खत्म कर देंगे क्योंकि उन्हें भी दिख रहा था क्या कि मल्टीपल इश्यूज हैं जो गवर्न करते हैं यही चीज हमने बुक वन में भी पढ़ी है क्या कि वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं उसके बाद में कश्मीर का एक मुद्दा जो एवरग्रीन रहता है हमेशा तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं मल्टीपल इशूज होते हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को गवर्न करते हैं ठीक है तो डिस्पाइट दी वॉर्स वी ट्राइड टू हैव पीस डिस्पाइट दी वॉर वी ट्राइड टू हैव पीस और उसी कंटेक्स में लिखा है कि वॉर्स एंड पीस विद कंफ्लिक्ट तो हमने क्या किया थी कश्मीर कंफ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट दी कॉपरेशन बिटवीन दी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान कैसे तो बोथ दी गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर टू रिस्टोर दी वुमेन अबडक्टेड ड्यूरिंग पार्टीशन टू देयर ओरिजिनल फैमिलीज देखो पार्टीशन का जो अगली फेज था वो आप चैप्टर वन में पढ़ के आए हो ठीक है अब वहां पे हमने क्या देखा था कि पार्टीशन में लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे थे फोर्सफुली एंड विलिंगली उसके चलते बहुत सारी बहुत सारी महिलाओं खास करके वुमेन सेक्शन ने क्या है बहुत सफर किया है एबडक्शन हुआ उनका ठीक है उनको अपहरण कर लिया गया रेप्स के केसेज आए डेथ केसेज आए तो उस तरह से क्या है कि दोनों ही गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि यार पार्टीशन हुआ जो भी हुआ गवर्नमेंट के बीच में कंफ्लिक्ट ठीक है लेकिन ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉज है कि, कि किसी के घर की महिलाओं को अपहरण अप, कर लिया जा रहा है ठीक है एक परिवार पूरा बिखर गया है तो हम क्या करें इस तरह से जो अपडेक्टेड वुमेन वगैरह जो है पार्टीशन के टाइम पीरियड में उनको प्रॉपरली क्या करें रिहेबिलेट करें ठीक है एक जगह मतलब जो जहां है वहां पहुंचाया जाए ठीक है जो उनकी लेजिट जगह है वहां पर ठीक है इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी ठीक है इंडस वाटर ट्रीटी में क्या है तो आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि नदियां जो है कहां से बहते हुए जा रही जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में तो जो इंडस वाटर सिस्टम है पूरा ठीक है इंडस झेलम चेनाब रावी सतलज व्यास इन सारी नदियों के बीच में पानी कैसे शेयर होगा वो भी एक मुद्दा था ना तो कंट्रीज डिवाइड हुई है, वहां तक है लेकिन वो जो वाटर डिस्प्यूट है उसे भी तो सॉल्व करना पड़ेगा तो इंडस वाटर ट्रीटी नाइनटीन में साइन होती है ये भी हमने कहा डिस्कस किया है बुक वन में जो चैप्टर है आपका चैप्टर फाइव वहां पर फिर क्या है डिस्पाइट ऑल इन इंडो पाक रिलेशन 71 का ट्रीटी है डरा जरूर देते एक दूसरी कंट्री के लीडर्स एक दूसरे को ठीक है जैसे कुछ भी कंफ्लिक्ट होता तो उड़ी वगैरह वाला जो टाइम पीरियड था पूरा ठीक है पुलवामा अटैक जो हुआ था तो उस टाइम पीरियड पर हमने डरा दिया था अभी रखो तुम्हारा पानी बंद करते हैं ठीक तो ये पीस वाला एंगल है कि वॉर्स और पीस का एंगल रहा है हमेशा फिर उसके बाद में जैसे देखोगे ना तो वॉर्स है एक वॉर नहीं तो 47 में चीजें खत्म नहीं हुई 65 में फिर क्या होता है कंफ्लिक्ट होता है तो इन अप्रैल Uh, 1965 पाकिस्तान लॉन्च आर्म्ड अटैक इन द रन ऑफ कच एरिया ऑफ गुजरात अब देखो यहां पाकिस्तान ने बताया ब्लफ करने की कोशिश करी पाकिस्तान रन ऑफ कच मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है ठीक है तो आ, थोड़ा व्यवस्थित बनाते हैं यहां जैसे अगर आप देखोगे तो ये ये वाला जो रीजन है रन ऑफ कच ठीक है पाकिस्तान ने ठीक है रन ऑफ कच इस रीजन में क्या करना स्टार्ट किया इस रीजन से इंट्रूजन स्टार्ट किया यहां तो क्या है अटैक किया ठीक छोटे लेवल पे बाकी मेन स्ट्रेटेजी क्या थी उनकी मेन स्ट्रेटेजी ये थी कि ऊपर कश्मीर जो है ना तो कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ठीक है लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे उन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स को फिर पहुंचाया पॉइंट समझना अच्छे से और इन्फिल्ट्रेटर्स को पहुंचा के क्या करा उन्होंने यहां पे एक तरह से कह सकते हैं कश्मीर के अंदर लोगों को भड़काने की प्रोवोक करने का प्रयास किया जिससे क्या होगा जिससे कश्मीर के लोग जो हैं प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा और फिर क्या है कश्मीर की आजादी की बात चलेगी और कश्मीर को किसके साथ जोड़ लेंगे पाकिस्तान के साथ तो यह ऑब्जेक्टिव था पूरा सिक्सटी की वॉर के पीछे का ठीक ऑपरेशन बताइए किस कोड नेम के अंदर ये, ये पूरा का पूरा मूवमेंट मतलब पूरा का पूरा इवेंट्स को लॉन्च किया गया था चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पाकिस्तान ने क्या कोड नेम दिया था ठीक है पाकिस्तान ने इस पूरे ऑपरेशन को क्या कोड नेम दिया था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक तो इन अप्रैल पाकिस्तान लॉन्च आर्म्ड अटैक्स इन द रन ऑफ कच ऑफ गुजरात दिस वॉज फॉलोड बाई बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर तो रन ऑफ कच पर उन्होंने क्या सिर्फ ब्लफ करने की कोशिश करी कि इंडियन आर्मी का अटेंशन इस तरफ डायवर्ट हो जाए ठीक है जो बड़ा ऑफेंसिव अटैक हुआ वो कहां होता है जम्मू एंड कश्मीर में अगस्त सितंबर में ठीक है 65 अगस्त सितंबर में ये कहानी होती पूरी पाकिस्तानी रूलर्स वर होपिंग टू तो गेट सपोर्ट फ्रॉम लोकल पॉपुलेशन देयर बट इट डिड नॉट हैपन ठीक है ये बहुत अच्छी चीज रही और क्या कि पाकिस्तानी रूलर्स जो थे पाकिस्तानी आर्मी जो इन्फिल्ट्रेटर्स को पहुंचा रही थी और जो लोगों को प्रोवोक करना चाह रही थी कश्मीर के कि वो हथियार उठा ले या फिर एक तरह से रेबिल करें इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया आम जनता का सपोर्ट मिला नहीं उन्हें क्यों नहीं मिला सर तो देखो पहली चीज तो इंडियन आर्मी को पता चल गया था कि इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए दूसरी चीज लोग जो थे तो हर इंसान नहीं चाह रहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ में जाए ठीक है तो वो तो कुछ जो कह सकते हैं कुछ लोगों को गुमराह कर दिया था वो लोग चाह रहे थे और इन्फिल्ट्रेटर्स ने इस तरह से क्या करने की कोशिश की कि कश्मीर में रेबेलियन को बढ़ाया जाए लेकिन वो अनसक्सेसफुल नहीं देखोगे तो बॉर्डर देखो तो पे कंफ्लिक वहां पे डेवलप होता है ठीक है इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था इन ऑर्डर टू ईज प्रेशर अब देखो जैसे आप चाल चल सकते तो हम क्या बुद्धू हैं ठीक है थीके, हम भी तो चाल चल सकते हैं प्रेशर को थोड़ा सा ईज करने के लिए ठीक है चीजों को रिलैक्स करने के लिए क्या स्टेप लिया गया या थोड़ा इस पे मैप मैपे समझने की कोशिश करते हैं चलो हम ठीक है थोड़ा सा मैप पे समझने की कोशिश करते हैं हम कि प्रेशर को प्रेशर को थोड़ा सा क्या क्या करने 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 के 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 लिए इजी करने के लिए लिए रिलीज चीज़ों को कि कि होता है कि कश्मीर में इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे थे हमने कश्मीर के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था उसको थोड़ा इजी करने के लिए हमने पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है ना वहां से अटैक किया ठीक है पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहां से अटैक किया इस समय पे कौन थे प्राइम मिनिस्टर हमारे लाल बहादुर शास्त्री ठीक तो पंजाब प्रोविंस जो है तो वहां से हमने अटैक किया ताकि क्या हो कि आप इधर प्रेशर बनाना चाह रहे हो हम इधर प्रेशर बनाएंगे ठीक है आप यह सोच रहे थे कि इंडियन आर्मी यहां एंगेज रहे यहां एंगेज रहे हम तीसरे डायमेंशन पर मोर्चा खोल देंगे तो इससे क्या हुआ कि इंडियन आर्मी घुसी और अंदर कहां तक घुसती चलेगी तो लाहौर तक घुसती घुस्ती गई ठीक है इंडियन आर्मी लाहौर तक घुस्ती चलेगी लाहौर के गेट तक पहुंच गई तो इसके चलते क्या पाकिस्तान को समझ में आया कि भैया अब लाहौर बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा रिट्रीट करना पड़ेगा तो सिक्सटी की वॉर जो थी तो उसमें इंडिया एक डिसाइसिव विक्ट्री को लेता है अपने हाथ में ठीक है और पाकिस्तान का यह भी था पाकिस्तान ने सोचा 62 में हारे हैं इनकी कह सकते हैं स्थिति सही नहीं है अभी इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री uh, प्रिपेयरनेस भी उतनी मजबूत नहीं है तो पाकिस्तान इस मुगालते में रह गया उसने सोचा कि 62 का वॉर हारे 65 में हम हरा देंगे इनको ठीक है लोहा गरम है थोड़ी मार दी जाए लेकिन 62 से 65 के बीच में वी हैव प्रिपेयर्ड आवर सेल्फ हमें एक अनुभव मतलब बोलते हैं ना ठोकर खा के सीखता है इंसान

तो अब क्या है कि यहाँ पे भी मिलिट्री रूल आ गया जनरल अयूब खान जो है इस समय पे ठीक है 58 के बाद से जैसे अगर आप देखोगे तो जनरल अयूब खान जो है जनरल जनरल अयूब खान को क्या करना पड़ा फिर एक तरह से एक एग्रीमेंट में आना पड़ा जिसके चलते हमने एक तरह से कहते हैं कि चीजों को थोड़ा सेटल डाउन करने की कोशिश करी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना तो उसको लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी नाम दिया गया वहां पर ठीक ये सारी चीजें होती है कब ताशकेंट एग्रीमेंट में और जिसको आ, दी एग्रीमेंट और ताशकेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रोकर बाय सोवियत यूनियन सोवियत यूनियन ने क्या किया इस मीटिंग को अरेंज करवाया है ठीक है यूनाइटेड नेशंस के इंटरवेंशन के बाद में जो पीस था उसको स्टेब्लिश किया गया और ताशकेंत एग्रीमेंट में ठीक है तो मतलब इन फेमस

थर्ड फाइव ईयर प्लान में प्लान को ड्रॉप आउट क्यों करना पड़ा क्योंकि थर्ड फाइव ईयर प्लान का जब टाइम आया 66 में ठीक है तो 1966 से थर्ड फाइव ईयर प्लान चालू करना था लेकिन उस समय तक हमारी स्थिति ये हो गई थी कि हमारे पास खाने के लाले पड़ रहे थे दो दो वॉर लड़े थे ठीक है लोगों की जो सेविंग्स थी वो डिक्लाइन हो गई थी हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने मिलिट्री फ्रंट पे तो अच्छा परफॉर्म किया था 65 के वॉर में ठीक है वी रीगेंड आर लेजिटिमेसी जो 62 में हमारा कह सकते हैं कि हमारी इमेज पे डेंट लगा था ना तो उस डेंट को हमने सुधारा 65 में वर्ल्ड वाइड हमें प्रेस भी किया गया कि 62 का वॉर हारने के बाद में जो कम किया है ना तो दो कदम पीछे जाके शेयर क्या करता है छलांग मारता है उसी तरह से इंडिया ने 65 के वॉर में एक बेहतर स्थिति पा ली थी लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बिगड़ती चली गई थी ठीक है इकोनॉमिक सिचुएशन और बिगड़ती चली गई थी खाने की कमी थी ये सारी सिचुएशंस जो है वो वॉरेंट पीस का मतलब एक बेसिक इंट्रो दे दिया मैंने आपको वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971 अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक मजेदार है इसे अच्छे से समझना देखो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशंस रहे हैं वो वॉर्स और पीस पर बेस्ड रहे हैं मतलब कि लड़ाइयां भी हुई है शांति के लिए प्रयास भी किए गए हैं तो हमने देखा हां कि जब देश आजाद होता है तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर क्या होता है पहली जो लड़ाई हमें देखने को मिलती है पहला जो कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ था क्यों क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशन में मुद्दा प्लेस कर दिया था और तभी से कश्मीर जो है तो एक तरह से मैटर जो है वो फंसा हुआ है वहां पर ठीक फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 65 में वॉर होता है 65 में वॉर होता है फिर ताशकहंत एग्रीमेंट ताश एग्रीमेंट के बाद में पीस स्टैब्लिश की जाती है अब हम आते हैं 71 वाले टाइम पीरियड में अच्छा 71 में क्या लिखा है बांग्लादेश वॉर लिखा है लड़ाई तो हमारी पाकिस्तान के साथ हुई थी फिर बांग्लादेश वॉर क्यों लिखा है तो देखो लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई थी लेकिन 71 के पहले क्या था दो पाकिस्तान थे मतलब एक वेस्ट और एक ईस्ट और 71 की लड़ाई के बाद में ये ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बनता है तो आज जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान है अब देखो यहां पे चीजों का रिपीटेशन है कैसे तो बुक वन में जो चैप्टर फाइव है आपका ठीक है जहां पे हमने साउथ एशिया इन दी कंटेप्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करी है तो वहां पे हमने पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन और किस तरह से जो बांग्लादेश वाला एंगल है ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं बुक वन में ठीक है अब यहां आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी के परस्पेक्टिव से पढ़ना है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन रहे हैं उसमें जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है ठीक है तो वो इन सारे इवेंट्स से कहीं ना कहीं गाइडेड है

स्प्लिट मतलब क्या है कि जो परिणाम आए ना चुनाव के तो वो चुनाव के परिणाम ही अपने आप में दर्शा रहे थे कि देश जो पाकिस्तान ईस्ट में था और वेस्ट में था वो पाकिस्तान एक साथ एकजुट रह ही नहीं सकता है क्यों क्योंकि आप जैसे देखेंगे तो वेस्ट में जो पार्टी जीती वो कौन सी पार्टी जीतती है तो जुल्फिकार अली भुट्टू जो है ठीक है इनके बारे में पढ़ा था हमने तो जुल्फिकार अली भुट्टू जो है उनकी पार्टी जो है इमर्ज विनर इन वेस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जो है वो मेजोरिटी में आती है लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की जो 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 बात करोगे आज आज बांग्लादेश है 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 तो वहां पे आवामी लीग ठीक शेख हसीना की पार्टी है ठीक है तो शेख हसीना के जो पिताजी थे क्या नाम था उनका लेड बाय शेख मुजिबुर रहमान स्वेफ्ट थ्रू ईस्ट पाकिस्तान तो ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजिबुर रहमान की डोमिनेंस ठीक है वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की डोमिनेंस अब देखो चीजें कैसे बिगड़ती है यहां पे ऐसे बिगड़ती कि जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स थे तो मैंने आपको बताया कि पहले जो मिलिट्री रूल भी रहा है पाकिस्तान में तो वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट करते थे कल्चरली भी पॉलिटिकली भी लेकिन यहां पे बदलाव यह आता कि पॉलिटिकली जो सीट्स रहती ना जनरल इलेक्शन में जो सीट थी तो ज्यादा मेजोरिटी ऑफ सीट्स कहां थी ईस्ट पाकिस्तान में थी क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में आप पॉपुलेशन तो ज्यादा थी तो ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा होने के कारण यहां पे सीट्स ज्यादा थी और उसी के चलते क्या है कि ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया तो इससे ये क्लियर हो गया था कि अब जो गवर्नमेंट बनेगी वो ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स के द्वारा आवामी लीग के द्वारा बनाई जाएगी जो कि

पॉइंट कनेक्ट कर पा रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि जो इंडिया के यहां पे आपको आज बांग्लादेश देखने को मिल रहा है और यहां ये जो पाकिस्तान है तो आजादी के समय कैसा था ये वेस्ट पाकिस्तान था ये ईस्ट पाकिस्तान था अब कहने को तो दो पॉलिटिकल एंटिटी थी लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा था डोमिनेट कर रहे थे वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर और जो चुनाव के परिणाम निकल के आए ना तो उसका सीधा सा संकेत यह था कि वेस्ट पाकिस्तान का अत्याचार सहते सहते ईस्ट पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके थे और उन्होंने उस बंगाली पॉपुलेशन ने ठीक है बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान ड वोटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस ऑफ बीइंग ट्रीटेड सेकंड क्लास सिटीजन अत्याचार हो रहा था उसे खत्म करते हुए उन्होंने अपने ईस्ट पाकिस्तान की जो पार्टी थी अवामी लीग अपने ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स थे ठीक है कह सकते हैं कि फादर ऑफ्ला फादर ऑफ बांग्लादेश भी कंसिडर किया जाता है किन्हें मुजिबुर रहमान को जिस तरह से हम गांधी जी को रिस्पेक्ट देते हैं उस तरह से इस पाकिस्तान मतलब जो आज का बांग्लादेश है बांग्लादेश के लोग मुजीबुर रहमान को मानते हैं ठीक है तो इस तरह से क्या है कि वो वर्डिक्ट जो आया जनरल इलेक्शन का उससे क्लियर था कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है दी पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट विलिंग टू तो एक्सेप्ट वर्डिक्ट लेकिन

जो ईस्ट पाकिस्तान, में में पाकिस्तान है कल्चर है, है उसके ऊपर उर्दू डोमिनेट नहीं की जाएगी तो यह उनके पॉइंट थे ठीक है तो अब क्या है ना तो आवाग की बात सुनी जा रही थी ना ही इलेक्शन के वर्डिक्ट को माना जा रहा था और इस सिचुएशन में क्या होता है देखो ये तो क्या है आप पहली बात तो इलेक्शन इले, इलेक्टोरल वर्ड को नकार दे रहे हो दूसरी चीज जो लोगों की एस्पिरेशन है उसे नकार दे रहे हो और तीसरी चीज ऊपर से क्या हो रहा है मतलब चोरी तो चोरी ऊपर से सीना चोरी सीना चोरी क्या हो रही है तो इंस्टेड इन दी अर्ली नाइनटीन सेवन दी पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी आर्मी का मतलब क्या है कि जो वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था पाकिस्तानी आर्मी अरेस्टेड शेख मुजिब एंड अ रेन ऑफ टेरर ऑन पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान और क्या होता है सेवेंटी वन uh, आते आते ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स को, अरे, अरेस्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है को अरेस्ट कर लिया ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो फेडरेशन की मांग कर रहे रहे थे थे बोल हमें और ऑटोनॉमी दो उनकी पिटाई लगाई ठीक है तो अत्याचार बढ़ा अब ये अत्याचार जो बढ़ा ना तो अब देखो दिखती तो बात है कि बूंद बूंद से घट भरता है तो एक समय के बाद में जब क्या हो जाएगा लोग परस्त हो जाएंगे सहते सहते जब थक जाएंगे पूरी तरह से तो फिर क्या करेंगे वो एक रिवॉल्ट में खड़े होंगे और फिर क्रांति आती है तो इसी तरह से क्या है कि सहते सहते लोग थक गए थे उल्टा क्या है कि हम डेमोक्रेटिकली हम पावर में आए ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लग रहा था उसके बावजूद भी वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स नहीं मान रहे थे लिबरेट रहेंगे? आजादी किसकी बांग्लादेश की आजादी ठीक है तो इस तरह से बांग्लादेश आजाद होता है कहानी समझ में बांग्लादेश की आजादी की यही बांग्लादेश को आजाद हम एक बार और करवा चुके बुक भूखवंद में तो आशा करता हूं कि आप रिवाइज भी कर पा रहे हो और कनेक्ट भी कर पा रहे हो किस तरह से बांग्लादेश जो है वो आजाद होता है वेस्ट पाकिस्तान से या फिर जो पाकिस्तान का पूरा यूनियन था उसमें से एक पार्ट जो होता है स्प्लिट हो जाता है अब देखो क्यों मुस्कुरा रहा हूं मैं बताओ ठीक है यहाँ पे इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इंडियन फॉरन पॉलिसी को पढ़ रहे हैं ना चैप्टर क्या है हमारा इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन या फिर इंडियाज फॉरन पॉलिसी तो ये बांग्लादेश पाकिस्तान ये जो इनके बीच में डब्ल्यू चल रही है इसमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट है ठीक है इसमें इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि पहली चीज तो मैंने आपको वो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन वगैरह उनके बारे में बताया था कि किस तरह से चिकन स्नैक जो है ठीक है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसको कनेक्ट करते हुए एक पतला सा कॉरिडोर है जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान तो दूर दूर है लेकिन ईस्ट पाकिस्तान चाइना के बीच में बहुत पास में था तो वह स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन जो हम पढ़ के आए अभी पिछले वीडियोस में वो तो था ही था उसी के साथ साथ में मेरे अगर आप देखोगे ना कि पाकिस्तान का कमजोर होना एक तरह से इंडिया के लिए क्या था बेनिफिशियल uh, था अब ऐसा नहीं कि हम उन्हें कमजोर करना चाह रहे हैं इंडिया के लिए बेनिफिशियल ऐसा था कि इंडिया को एक कंटिन्यूस थ्रेट बना रहता था क्योंकि पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इंडिया को किसी तरह से क्या किया जाए इंडिया को किसी तरह से पीछे पहुंचाया जाए तो अगर उस स्थिति में पाकिस्तान स्प्लिट होता है ना तो स्ट्रेटेजिकली अगर आप जैसे देखोगे तो हमें यह फायदा रहेगा कि एक वीक कंट्री जो रहेगा स्प्लिट के बाद में कमजोर हो जाएगा तो वो क्या करेगा ज्यादा दिक्कतें क्रिएट नहीं करेगा ठीक है यह तो एक पॉइंट हुआ और दूसरा पॉइंट जो ज्यादा जरूरी था कि ईस्ट पाकिस्तान में जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था

लड़ने दो ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हमको क्यों इंटरव्यून करना है हमें इंटरव्यून इसलिए करना पड़ा है क्योंकि हमें समस्याएं थी स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट था हमारे लिए वो तो बताया मैंने उसी के साथ साथ और क्या समस्याएं थी हमें बताया हमें समस्या ये थी कि बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर खुली हुई है मतलब जैसे आप देखोगे ऐसे होते कि वहां फेंसिंग है पूरी बराबर बॉर्डर ओपन बॉर्डर है पोरस बॉर्डर है तो जब इस पाकिस्तान में अत्याचार हुए ना, तो लोग मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू दी फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश तो हमने सोचा भैया इन्हें आजादी दिलाओ नहीं तो पूरे ईस्ट पाकिस्तान के लोग इंडिया में आकर रहने लगेंगे तो वो हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजिकली हमारे रिसोर्सेस को देखते हुए ठीक है हमारी डेमोग्राफी को संभालते हुए हम वो कदम लेना बहुत ज़्यादा जरूरी था अस्सी लाख आए, काफी काफी सारे वापस भी हो गए थे। देखो इसमें क्या होता है, लोग एक ही एंगल दिखाते रेफ्यूजी सेवेंटी में जो आए थे वो वापिस भी हो गए लेकिन काफी सारे रह भी गए ठीक है काफी सारे रह भी गए फिर क्या होता है पाकिस्तान, आ, पाकिस्तान इंडिया को कौन सा पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की इंडिया ने जो करवाया वो करवाया ये जो ब्रेकअप हुआ ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंडिया है अब देखो इसमें क्या है इसमें एक बात बता दो तो मैं आपको सीधी रॉ का स्टैब्लिशमेंट आई गेस नाइन के आसपास हुआ था ठीक है रिसर्च एनालिसिस विंग तो रॉ का जो स्टेबलिशमेंट हुआ ना तो रॉ के चीफ ने दो साल पहले ही बोल दिया था 71 के पहले कि ये स्प्लिट हो जाएगा मतलब पाकिस्तान जो है वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान स्प्लिट हो जाएगा अब ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ वहां पे टाइम एक तरह से कह सकते हैं कि कोई मशीनरी सेट करके आए थे कि हाँ हा, हम स्प्लिट करवा देंगे बाकी एनालाइज कर लिया था रॉ ने रिसर्च कर ली थी इसीलिए तो वो रॉ है कि स्प्लिट करवा दिया जाएगा या फिर हो जाएगा अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ना कहीं पाकिस्तान जो है पाकिस्तान अक्यूज इंडिया ऑफ अ कॉन्स्पिरसी ऑफ सी टू ब्रेक इट अप ठीक है रीजनल डेवलपमेंट शेप दी ग्लोबल पॉलिटिक्स और ये जो रीजनल डेवलपमेंट हो रहे थे ना रीजनल डेवलपमेंट मतलब क्या हो रहा है कि आप जो इस रीजन में देख रहे हैं आप देखो कोल्ड वॉर पीरियड है ठीक है कोल्ड वार पीरियड है इस कोल्ड वॉर पीरियड में आप जैसे देखोगे तो क्या है कि जो अरब कंट्रीज वगैरह है वहां पर भी क्राइसिस चल रहे हैं ठीक है वहां पर क्राइसिस क्या चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसराइल और अरब कंट्रीज लड़ते रहे तो यही टाइम पीरियड सेवेंटी वन के आसपास भी लड़े थे एक बार ठीक है उसके अलावा जैसे देखोगे तो हमारे यहाँ ऑयल क्राइसिस वगैरह और आप जो पिछले चैप्टर में पढ़ के आयो क्या पिछले चैप्टर में पढ़ के आयो कि जो आ, फाइव ईयर प्लानिंग वाला सिस्टम था पूरा ठीक है फाइव ईयर प्लानिंग

उन्होंने इस चीज को इस इवेंट को कैसे देखा तो अब देखो पाकिस्तान के साथ अगर कुछ होगा तो पाकिस्तान जिस ग्रुप का पार्ट रहेगा उसे बुरा लगेगा पाकिस्तान किस ग्रुप का पार्ट था तो अगर हम समझे तो पाकिस्तान किसका पार्ट था वेस्टर्न अलायंस का यूएसए का साथी था वो ठीक है सीटो सेंटो का पार्टनर तो उस तरह से क्या है कि पाकिस्तान और यूएस का तो दोस्ती था लेकिन अब चाइना जो है ना तो चाइना यहां एक ट्रायो में आ जाएगा किसके साथ ट्रायो में आ जाएगा पाकिस्तान चाइना और यूएसए ठीक है इन तीनों का ट्रायो बनेगा कैसे बनेगा देखो यहां पे हर एक चीज जो रहती है ना हर एक चीज बहुत अगर आप क्या बोलते हैं पेशेंटली अगर समझने की कोशिश करो तो अपने आप समझ में आ जाएगा इंडिया और चाइना जो है ठीक है इंडिया और चाइना क्या है इंडिया और चाइना दुश्मन है ठीक है अब पाकिस्तान क्या हो गया पाकिस्तान तो हमेशा पैदा होते से दुश्मन समझ के बैठा है अब फिर क्या यूएस जो है तो यूएस क्या करेगा पाकिस्तान का साथ देगा क्योंकि पाकिस्तान उसका लाए है अब इस, इस स्थिति में क्या हो रहा है देखो इस स्थिति में आइडियोलॉजी जो है वो गई चूल्हे में ठीक है इस स्थिति में क्या हो रहा है कि इंसान अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है तो अब यहां पे आप देखोगे तो पाकिस्तान और चाइना नजदीक आएंगे ठीक है पाकिस्तान और चाइना नजदीक आएंगे क्यों क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों का दुश्मन कौन है इंडिया एक तरह से ठीक है तो दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है दोस्त हो जाता है इक्वेशन तो पता है ना सीधी सी अब क्या हो रहा है कि यूएसए जो चाइना के साथ कभी लड़ा नहीं है डायरेक्टली लेकिन उसने ये देखा कि चाइना में पोटेंशियल है 70s का टाइम पीरियड आया चाइना जैसे आप धीरे से आप देखोगे तो अपनी इकोनॉमी को भी क्या करेगा ओपन अप करेगा इस समय पे रिचर्ड निक्सन जो है तो रिचर्ड निक्सन ने प्रयास किया है कि संबंध सुधारे जाए जो ईस्टर्न ब्लॉक था उसके साथ तो रिचर्ड निक्सन इस समय प्रेसिडेंट थे यूएसए के वो कहां जाते हैं वो यूएसएसआर में भी लोगों से मिलते हैं ठीक है यूएसएसआर के लीडर्स से भी लियोनेट ब्रिजनेव वगैरह हो गया ठीक है वो चाइना के साथ भी संबंध सुधारने की कोशिश करते हैं इनफैक्ट क्या होता है कि पाकिस्तान और यूएसए के तो एक ही थाली में बैठ के खाते थे तो पाकिस्तान से जो मीटिंग होती है पाकिस्तान से जो कह सकते हैं

ठीक है तो इस तरह से अब क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल ये जो रीजनल डेवलपमेंट हो रहे हैं ठीक है तो तो दे शेप ग्लोबल ग्लोबल पॉलिटिक्स आप क्या देख रहे हो हो कि लेवल पे सब रीअरेंजमेंट रहा है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का फाइन तो दी यूएस चाइना रेप्रोचमेंट दिगेन इन दी लेट नाइनटीन रिजल्टेड इन दी रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेज इन एशिया तो अब एशिया में इंडिया को काउंटर करने के लिए या फिर आप कह लो इंडिया को डराने के लिए क्या बन रहा है एक्सिस बन रहा है अब इंडिया को समझ में आया कि इंडिया अब आइडियलिस्ट से रियलिस्ट हो गया कि नॉन अलाइनमेंट जो है धरा रह जाएगा अगर ये सब मिलके एक साथ हमारे ऊपर आ गए तो ठीक है तो इसके चलते क्या है कि अब जब मैंने बताया हेनरी किसिंजर जो है तो पाकिस्तान के थ्रू क्या थारो के नीचे से इंडिया मतलब चाइना गए ठीक है तो उसके चलते हमने भी सोचा कि कुछ करना पड़ेगा तो इन दिस सिचुएशन सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम यूएस एंड चाइना तो अब जो चाइना का स्प्लिट हो रहा था ना 60 71 की बात कर रहे हैं हम तो 71 में जो चाइना का स्प्लिट हो रहा था एक बात बता हूं मैं आपको ठीक है तो इंडिया के अगेंस्ट फोर्सेज उतार दी गई थी यूएस के द्वारा ठीक अब इस स्थिति में क्या इस स्थिति में जैसे देखोगे तो हमारे बचाव में कौन आएगा हम तो नॉन अलाइन कंट्री है ठीक है लेकिन पाकिस्तान नॉन अलाइन थोड़ी था तो यूएस तो आ गया पाकिस्तान के बचाव के लिए उसको दिख रहा था यूएस को कि पाकिस्तान स्प्लिट होने वाला है ठीक है तो इन ऑर्डर टू काउंटर दी यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस चाइना कुछ करेगा नहीं चाइना हमारा दुश्मन पहले से था और चाइना इनके मतलब इनके एक्शन से चाइना कुछ होगा ऐसे ही ना कि जैसे हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो वैसे चाइना चाहता है इंडिया कमजोर हो ठीक है उस समय की पॉलिटिक्स समझा रहा हूं और बहुत हद तक वो आज भी कंटिन्यूड है तो उस स्थिति में क्या होता है उस स्थिति में जैसे अगर हम समझे तो इंडिया ईयर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद सोवियत यूनियन इन ऑगस्ट तब यहां पे हमारा सच्चा दोस्त कौन बनता है यूएसएसआर बनता है ठीक है तो इंडिया को ये समझ में आ गया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट जो हो रहा था कि चाइना एक साथ हो गया पाकिस्तान के पाकिस्तान के साथ हो गया यूएसए ये तीनों क्या बन गए ट्रायो बना लिया इन्होंने ये तीनों हमारे ऊपर हावी बहुत आसानी से हो सकते थे ठीक है? ये तीनों हमारे ऊपर हावी बहुत आसानी से हो सकते थे तो इंडिया ने क्या किया इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए ठीक है इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए क्या किया एक 20 साल की ट्रीटी साइन ट्वेंटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप किसके साथ सोवियत यूनियन के साथ तब हमने अपना दोस्त बनाया सोवियत यूनियन के साथ ठीक है तो I guess आपको यहाँ कुछ में वैसे तो पढ़ा ब्रिजनेव और करते हैं सार के साथ में ये हेनरी किसेंजर है और चाइना के उस समय के प्रीमियर है ठीक है तो बैठ के खा रहे हैं कुछ चॉप स्टिक्स है अब पता नहीं क्या है वो ठीक है तो इस तरह से क्या है कि रीअलाइनमेंट आपको देखने को मिल रहा है जो रीजनल डेवलपमेंट पाकिस्तान का स्प्लिट बांग्लादेश वॉर जो था तो उससे किस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं अब दिखती बात है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जब चेंजेस आ हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बदलेगी हमने यूएसएसआर के साथ में फ्रेंडशिप और पीस पीस ट्रीटी साइन करी 1971 में तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो होगी और लिबरल हो जाएगी किस तरह से फॉरन पॉलिसी जो है इन्फ्लुएंस होती है ठीक है, दिस इंडिया ऑफ सोवियत सपोर्ट इफ कंट्री एनी अटैक और सोवियत सपोर्ट मतलब हमें आश, एक अश्योरिटी मिल गई क्या कि अगर इंडिया के ऊपर किसी ने हमला किया तो यूएसएसआर ने कहा मैं बड़ा भाई हूं तुम्हारा ठीक है मैं खड़ा हूं तो उस तरह से क्या है कि पूरा रीअलाइनमेंट जो है वो यहां पर देखने को मिला हमें ठीक है रीजनल डेवलपमेंट से क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ा तो आफ्टर मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन एंड मिलिट्री बिल्डअप मैंने आपको बताया ना कि यूएसए ने भी क्या कर दिया था ऑफ बेमोल में अपने आ, वेपन्स मतलब अपने, क्या कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह उतार दिए थे वैसे ही क्या होता है यूएसएसआर भी हमारी मदद के लिए आ रहा था आवाज लगा दी दूर से होती हुआ ऐसे होती है कि पाकिस्तानी वन वॉर आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर ब्रोकआउट होती है अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर ब्रोकआउट होती है तो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटैक पंजाब एंड राजस्थान वाइल दी आर्मी मूव ऑन दी जम्मू कश्मीर फ्रंट ठीक है तो पंजाब राजस्थान वाले बॉर्डरिंग एरियाज़ पे क्या उन्होंने पाकिस्तान को देखो तो दो फ्रंट मिल रहे थे समझना चीज़ों को हाँ कि ये इंडिया है तो हम बांग्लादेश की आजादी के लिए साथ दे रहे हैं मतलब ईस्ट पाकिस्तान का और ये वेस्ट फ्रंट पे जो पाकिस्तान था तो यहां से इसने क्या राजस्थान हो गया ठीक है पंजाब हो गया यहां पे एयर अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए थे इंडियन ग्राउंड फोर्सेस जम्मू कश्मीर से मूव कर गई है ठीक है तो यहां पे क्या एक तरह से बैलेंस आउट कर दिया चीजों को अब अगर हम यहां की बात करें ईस्ट पाकिस्तान में कैसी लड़ाई लड़ी गई तो इंडियन फोर्सेस ने ढाका जोन का कैपिटल है ठीक है आज बांग्लादेश का कैपिटल है उसको चारों तरफ से घेर लिया ठीक है इंडियन फोर्सेज ने क्या किया इंडिया रिटेलिएटेड विद एन अटैक इन्वॉल्विंग दोर्स नेवी एंड आर्मी ऑन बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट हमने चारों तरफ से क्या ऐसा धमाकेदार अटैक किया कि पाकिस्तान सोचता रहेगा कि किधर संभालू किधर मारू किधर पीटू ठीक है तो इस तरह से पाकिस्तान कंफ्यूज और उसके साथ साथ में क्या होगा कि जब हमने ईस्ट पाकिस्तान में सपोर्ट एक्सटेंड किया अब तो लड़ाई हो ही गई ना अब क्या ईस्ट क्या वेस्ट जब लड़ाई हो ही गई तो इंडिया इंडियन फोर्सेस जब ईस्ट पाकिस्तान में घुसती है तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने वेलकम किया किस चीज को इंडियन फोर्सेज को क्योंकि इन्हें पता था इंडियन फोर्सेज हमें कब्जा करने नहीं आई है आम जनता को तो पता था ना कि इंडियन फोर्सेस वेस्ट पाकिस्तान की फोर्सेज जो है पिटाई लगाएगी हमें आजाद करवाएगी मिठाई बांटेंगे तो वही चीज यहां पर हुई की वेलकम एंड सपोर्टेड बाई दी लोकल पॉपुलेशन द इंडियन आर्मी मेड रैपिड प्रोग्रेस इन ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में रैपिड प्रोग्रेस करते हुए ढाका जो है है आज जो बांग्लादेश का कैपिटल है उसको चारों तरफ से घेर लिया और फिर आप जैसे देखोगे तो ये फोटो बहुत वायरल होता है तो पाकिस्तानी चीफ जो है वो क्या कर रहे हैं साइन कर रहे हैं कि हाँ भाई हम हार मान रहे हैं ठीक है ढाका के लोग जो है खुश हो गए इंडियन आर्मी के आने से क्लियर मुजीबुर रहमान की फोटो लेके जैसे नाच रहे हैं ये लोग फिर क्या है विदिन टेन डेज द इंडियन आर्मी हेड सराउंडेड ढाका फ्रॉम थ्री साइड्स एंड uh, दी पाकिस्तानी आर्मी ऑफ अबाउट नाइनटी थाउजेंड टू सरेंडर और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर है सबसे बड़े सरेंडर उसमें एक है ठीक है कि नब्बे हजार की सेना थी नब्बे हजार की सेना में तो युद्ध जी, जीते जाते हैं और इन्होंने क्या किया ठीक है मूर्खों ने पाकिस्तानी फोर्सेज ने नाइन्टी थाउजेंड सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया क्योंकि उन्हें दिख रहा था हम चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं तो वो कुछ मूवीज में अनाउंसमेंट कर देना भागने की कोशिश मत करना आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है तो वाली स्थिति यहां पे हो गई थी ठीक है नाइनटी सोल्जर्स ने सरेंडर किया ईस्ट पाकिस्तान के अंदर और हमने फिर क्या किया हमने बहुत लोगों को रिहा किया दिल्ली देखो इंडिया की ठीक क्या होता है तो आज से बांग्लादेश आजाद तो जैसे नेगोशिएट करवा देना आप आराम से तो चिंता मत करें ठीक है तो वेस्ट पाकिस्तान वेस्ट में रहेगा ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया तो विद बांग्लादेश इंडिया अ यूनिलेटरल सीज फायर

ठीक है छोड़ो जील अपनी जिंदगी पाकिस्तान उस तरह से फाइन लेटर दी साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फी कार अली भुट्टो ऑन थर्ड जुलाई 1972 सेवन टू फॉर्मलाइज द रिटर्न ऑफ पीस तो अब क्या होता है कि अल्टीमेटली देखो पछाड़ तो दिया था हमने 71 में ठीक 16 दिसंबर जैसे आप देखते हो तो 16 दिसंबर के दिन विजय दिवस मनाया जाता है ठीक मतलब किया? किया, तो कि है वो उस का होना चाहिए, तो बांग्लादेश को क्या है अत्याचारों से आजादी मिली विक्ट्री इन वॉर वी विक्ट्री इन वॉर अब क्या है नेशनल जुबिलेशन ग्लोरी पावर ऑफ मिलिट्री एसोसिएटेड विद इट तो अब एक तरह से क्या है कि अब जब आप वॉर जीतते हो ना देखो इंडिया एक क्रिकेट मैच भी अगर जीतता है तो किस तरह से मतलब एक मतलब पूरा माहौल जो है देश में कैसा बदल जाता है यहाँ तो आप वॉर जीत के आए हो और वॉर भी आप किससे जीत के आए हो पाकिस्तान से और वो पाकिस्तान से जीती भी ऐसी कि बहुत डिसाइसिव वॉर है ठीक है तो वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट सरेंडर्स है उनमें से एक है तो इस तरह से क्या है इस तरह से आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट अब क्या होता है कि एक एडेड एडवांटेज मिलता है इस चीज़ को आपने देखा भी होगा कि अगर जिस गवर्नमेंट के टाइम में अगर हम कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं मिलिट्री एक्शन लेते हैं ठीक है अल्टीमेटली पावर जो है ना अट्रैक्ट करता है लोगों को बहुत ज़्यादा पावर अट्रैक्ट कैसे करता है लोगों को बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे आप देखोगे कि जब आपने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक देश के सोल्जर्स को सरेंडर करवाया ना तो उससे जो गवर्नमेंट होगी जो लीडर होंगे जो मिलिट्री लीडर्स होंगे जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे सबको एडवांटेज मिलेगा सबको एडवांटेज कैसे मिलेगा तो पॉलिटिकल गेंस टू दी रूलिंग पार्टी पॉलिटिकल गेंस्ट टू दी रूलिंग पार्टी खैर यहां पर आप जैसे एक चीज समझोगे तो

एक छत्र राज था कांग्रेस पार्टी का अब ये कौन सी कांग्रेस है वो दो बैलों वाली कांग्रेस मतलब नेहरू वाली कांग्रेस है लेकिन 67 के बाद से आप देखोगे तो क्या कांग्रेस टूटती चली जाती है रीजनल लीडर्स बाहर निकलते चले जाते हैं देसाई बाहर निकल जाएंगे ठीक है तो इस तरह से क्या है लीडर्स जो है है वो क्या है? बाहर निकलते जाएंगे सिक्सटी के बाद से जिससे अगर आप देखोगे ठीक है सिक्सटी के बाद से बाहर निकलते चले जाएंगे और अगला चुनाव जो होगा वो कब होगा सेवनटी में होगा अब बोलोगे सर चार साल में ही तो जी हाँ अगर आज अगर कह लो कि प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं गवर्नमेंट को डिजोल्व कर देते हैं तो आज फिर से फ्रेश इलेक्शन हो सकते हैं ठीक है तो यह सेवन में जो इलेक्शन होते ना सेवेंटी वन में इलेक्शन में क्या होता कांग्रेस एक तरह से जो 61 में थोड़ी लड़खड़ाई थी ना वो वापस से प्रचंड बहुमत के साथ आती है ठीक है और उन सारे फैक्टर्स में कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काम कर रहा होता है तो इस तरह से ये जो डिसाइसिव विक्ट्री थी वॉर में उससे बहुत सारे अलग अलग एंगल पे लोगों को पोलिटिकल पार्टी को पोलिटिकल लीडर्स को विक्ट्री मिली मतलब एडवांटेजेस मिले इस विक्ट्री से क्लियर हुआ तो यह पूरी कहानी थी अब आगे देखते हैं अगर कंक्लूड करें हम तो इंडिया विद इट्स लिमिटेड हैड इनिशिएटेड डेवलपमेंट प्लानिंग अब इस चीज को कहां से जोड़ो चैप्टर थ्री से जोड़ो जो आपने इसी बुक में पढ़ा है से जोड़ो. हम बात कर रहे थे। तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और उस बीच में फॉरेन पॉलिसी जो है तो फॉरेन पॉलिसी हमारे प्लानिंग और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी करेगी तो कंफ्लिक्स विद नेबर्स फाइव ईयर प्लान्स अब आप देखेंगे तो यहां पे जितना भी हो रहा है सारा सब कुछ हुआ तो जो हमारे नेबर्स के साथ हमारे कंफ्लिक्स रहे ना तो उससे क्या होता है उससे जैसे आप देखोगे तो हमारा जो

ठीक है को फिर भी फोरकास्ट कर लिया था तो प्लानिंग थी लेकिन ये जो लड़ी जा रही थी ना तो ऐसा तो नहीं है कि लड़ाई लड़ने से आपको कोई चेक दे देगा कि ये लो किस लाख रुपए का चेक ले लो आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी नहीं पैसे खर्च होते हैं ठीक है तो तो नेबर्स डीरेल फाइव ईयर जो फाइव ईयर प्लान का सिस्टम फिफ्टी से सिक्सटी तक चला फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बढ़िया ताली बजना चाहिए उसके लिए दूसरा फाइव ईयर प्लान जो था 66 से जैसे अगर आप देखोगे तो सिक्सटी फिफ्टी सिक्स से 61 तक का था देखो नंबरों पर मत जाना नंबर कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा इधर उधर बह जाते हैं समझो उस चीज को तो 51 से 56 फिर 56 से जैसे अगर आप देखोगे तो 61 दूसरा फाइव ईयर प्लान भी अच्छा चला तीसरा फाइव ईयर प्लान सिक्सटी वन से कब तक सिक्सटी सिक्स तक तीसरा फाइव ईयर प्लान जो है लड़ाना चालू कर दिया था ठीक है और उसके बाद जैसे अगर आप देखोगे तो अब क्या रिसोर्सेज की कमी आ गई क्योंकि ये 61 से 66 के बीच में क्या दो दो लड़ाई लड़ी आपने फेमाइन थी सारा सब कुछ था तो रिसोर्सेज वर डाइवर्टेड टू द डिफेंस सेक्टर स्पेशली आफ्टर नाइनटीन एज इंडिया हैड टू एम्बार्क ऑन द मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ड्राइव ठीक है तो 62 में हार के बाद में चाइना से हार के बाद में समझ में आया इंडियन गवर्नमेंट को कि भैया कुछ करना पड़ेगा किस चीज का आ, क्योंकि चाइना से हार क्या एक तरह का मैंने बताया ना कि इट डेंटेड द इंडियन इमेज इंडियन इमेज में बहुत बड़ा डेंट आ गया जहां हम थर्ड वर्ल्ड के लीडर बन रहे थे छोटे मोटे जो आज आसपास के देश थे नेपाल भूटान श्रीलंका ठीक है वो ऐसा मानते थे कि हाँ इंडिया का लोहा है लेकिन क्या है तो वो लोहा हमारा कम हो गया था कब सिक्सटी की हार के बाद में लेकिन अब हमें हमारी आ, खोई हुई ग्लोरी को वापस भी तो लाना था तो सिक्सटी

सेवन में हमारा फोर्थ फाइव ईयर प्लान आना चाहिए था पैसे ही खत्म हो गए थे ठीक है तो पैसे ही एंड डेवलपमेंट तो में, आपको बताया भी था, में कि तीन फिर हमने लाए। मतलब कि आप साल भर का राशन नहीं ला सकते तो महीने का राशन तो लाए कम से कम तो उस तरह से प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है इस चीज को हम पढ़ के आ चुके हैं पिछले चैप्टर में ये तीन साल तो हमारे तीन एनुअल प्लान आए और फिर फाइव ईयर प्लान सिक्स में बनता है तो पैसों की कमी थी तंगी थी फिर क्या होता है इंक्रीज इनॉर्मसली आफ्टर दी वॉर्स और लड़ाइयां जो हुई ना तो लड़ाइयों के बाद में क्या समझ में आया कि उन्हें बोला कि लड़ाइयां आप ऐसे नहीं हौसले के हिसाब से लड़ लोगे या फिर लड़ाइयां सिर्फ गीतों के बल पे लड़ वो एक पार्ट होते हैं कि आप लोगों को बूस्टअप कर दे रहे हो ठीक है क्या है मृत्यु मृत्यु को मारने जा रहा हूं तो उससे आर्मी बूस्टअप होगी लेकिन अल्टीमेटली आर्मी को लड़ने के लिए पैसे भी चाहिए रहेंगे ठीक है पैसे इन द सेंस कि वो रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे वेपन्स चाहिए रहेंगे तो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है इन वॉर्स के बाद में बढ़ा और कैसे बढ़ा तो देखो यहां पे फिफ्टी नाइन सिक्सटी तक हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर का ग्राफ देखो फिगर में नहीं जाना है आपको डेटा आपको कोई पूछेगा नहीं लेकिन आप देखोगे तो 60 के बाद में जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा है ठीक है डिफेंस एक्सपेंडिचर फिर बढ़ता ही रहा है तो इस तरह से हमारी जो जीडीपी का शेयर है उसमें हमने डिफेंस एक्सपेंडिचर जो हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा है इनफेक्ट

पाकिस्तान के साथ बात करें तो यहां कमी नहीं है कंफ्लिक्स की ठीक है कमी नहीं है कंफ्लिक्स की मतलब क्या है तो हम देखेंगे 77, आ, मतलब 1947, 48, पहला आजादी के समय 65 दूसरी बार पछाड़ा 71 वन तीसरी बार पछाड़ा और ये चुटपुट तो चलता रहा ऑपरेशन मेघदूत दूत विच, विच, विच इज एसोसिएटेड विद कैप्चरिंग ऑफ द ग्लेशियर सियाचिन पॉइंट ठीक है

अब हार रहे हो तो बात मानो हमारी तो मैंने बोल दिया कि भैया इस रीजन में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए ठीक है इंडियन मतलब ये जो एल है ना एल देखो ये परमानेंट बॉर्डर नहीं है तो सारा कश्मीर ही हमारा कश्मीर है तो यहां पे आप देखोगे परमानेंट बॉर्डर ये होना चाहिए लेकिन क्या होता है 77 में जो इंट्रूजन स्टार्ट हुआ था किसके द्वारा इंट्रूजन स्टार्ट हुआ था तो जो इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे ठीक है जो इन्फिल्ट्रेटर्स कहां आए थे इंडिया में आए थे उन इंफिल्ट्रेटर्स का जो कहना है वो क्या कहना है उन इन्फिल्ट्रेटर्स का, का कि कश्मीर उनका है पाकिस्तान वालों का ठीक है तो उन्होंने ऑक्युपाई करके रखा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो आजाद कश्मीर कहते हैं हम ऑक्युपाइड कहते हैं आप जबरन घुस के बैठे हो ना ये कहानी रही है अब क्या होता है कि मुद्दा फिर यूनाइटेड नेशन में गया तो वहां पे क्या है कि वहां पे आप डी फैक्टो डीफेटिवर बना दी गई है मतलब टेम्प्री टाइप से और उसे क्या कहा गया लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया तो आप देखोगे लाइन ऑफ कंट्रोल जो है तो एक्चुअल पोजिशन आज जो है ग्राउंड पे ये है कि इतना एरिया हमारा

अब जो कहानी यहां पे आपको समझना है वो ये समझना है कि इन्फिल्ट्रेटर्स आए कारगिल रीजन में और बहुत सारे जो की पॉइंट्स थे द्रास वगैरह हो गया ठीक है काक्सर हो गया बाताली हो गया तो इन एरियाज को कैप्चर करके बैठ गए अब क्या होता है यहां तक तो ठीक है अब टेररिस्ट है रोज के मार रहे हैं हम तो टेररिस्ट तो और पीट देंगे थोड़े से लेकिन पता क्या चलता है कि सस्पेक्टिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी ठीक है पाकिस्तानी आर्मी क्या है वो तारों के नीचे से घुसना छोड़ नहीं रही है तो इन्फिल्ट्रेटर्स के फॉर्म में क्या है ऐसा पाया गया कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था इसमें पाकिस्तानी आर्मी का भरपूर सहयोग था अब क्या है आर्मी उधर से आई है तो हमारी आर्मी क्या है हमारी आर्मी भी जवाब देगी तो फिर क्या होता है दिस लेड टू दी कन्फेंट्रेशन बिटवीन दी टू कंट्रीज तो टू कंट्रीज जो है तो फुल फ्लेजेड तरीके से नहीं लड़ाई हुई है तो जितने इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे हमने बोला चलो समय खत्म वापिस जाओ तो क्या है उनको मार पीट के भगा दिया और जो पॉइंट्स कैप्चर किए गए थे उन पॉइंट्स पे वापस क्या होता है उन पॉइंट्स पे जिसे आप देखोगे तो वापस से इंडियन पोजीशन जो होती है रिस्टोर कर ली जाती है इंडियन पोजिशन रिस्टोर कर, कर ली जाती है हमारे प्राइम मिनिस्टर उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी थे वो जाते भी हैं ठीक है वो मतलब आर्मी का एक तरह से उत्साहवर्धन करते हैं कि वेल प्लेड बॉयज ठीक है तो वो पूरी कहानी हुई यहां पे तो आया समझ में कारगिल फुल कन्फिल्ट्रेशन वॉर नहीं था कन्फ्लिक्ट था कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जिसमें क्या होता है इंडियन फोर्सेज जो है उनकी स्ट्रेटेजिक एरिया को कारगिल डिस्ट्रिक्ट के नियर दी एल रिकैप्चर कर लेती है एंड इट वाज सस्पेक्टेड ठीक है एंड इट वाज फाउंड कि वहां पे क्या है वहां पे आप जैसे देखोगे तो पाकिस्तानी आर्मी जो है तो पाकिस्तानी आर्मी जो है सपोर्ट करी थी इस इनफिल्ट्रेशन को द दी वेंट ऑन ड्यूरिंग मे एंड जून इन इन्फिल्ट्र 1999 बाय 26 जुलाई इंडियन India had recovered control of many of the lost points. तो कुछ पॉइंट्स जिन पे मुजाहिदीन कब्जा करके बैठ चुके थे ना तो उन सबको भगा दिया है और इंडिया ने क्या आपने उन सारे पॉइंट्स को रिकैप्चर कर लिया यहां पे आप देखोगे तो आर्मी का ठीक है एयरफोर्स का सबका बेहतरीन तरह से इस्तेमाल हुआ था अब ये जो कंफ्लिक्ट है बोलोगे सर यह कन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट क्यों ऐसा कन्फ्लिक्ट तो सियाचिन के टाइम पीरियड में भी हुआ था हमारा पीटा भगाया था उनको वापस ठीक है तो ये ये जो कन्फ्रंटेशन था कारगिल कन्फ्रेंटेशन ड्रू वर्ल्ड वाइड अटेंशन ठीक है तो ये क्या है एक तरह से जैसे वर्ल्ड कप मैच में क्या था इंडिया पाकिस्तान के मैच जो अगर वर्ल्ड कप में से फाइनल फंस गया तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनल तक तो आ नहीं पाते वो अब क्या है तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे, तो इस कंफ्रटेशन ने क्या वर्ल्ड वाइड अटेंशन को गेन किया कारण है उसके पीछे कारण समझिएगा कारण सीधा सा सिंपल सा है कि इसके पहले भी चुटपुट चुटपुट लड़ाई होती रहती थी जैसे आप देखोगे 84 85 के आसपास ऑपरेशन कारगिल के लिए उपरेशन विज़े, उपरेशन विज़े गया था। इसे चेक कर लेना ठीक तो बिकॉज वन ईयर प्रायर ऑल टू दी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो कारगिल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 1999 में दोनों ही कंट्री कि अगर आप स्थिति देखोगे तो एक -एक, सा, एक साल पहले 1998 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास क्या न्यूक्लियर वेपन आ गए थे अभी जो न्यूक्लियर वेपन आ गए थे तो उसके चलते क्या उसके चलते आप देखोगे तो एक डेटरेंस का रिलेशनशिप पहले ही

इंडिया तो जीतता ही हमेशा पाकिस्तान फिर हार गया अब क्या हुआ तो अब यहां पर देखेंगे तो इन पाकिस्तान दिस बीन दी सोर्स ऑफ मेजर कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में एक मेजर कंट्रोवर्सी का सोर्स बन गया वहां पे इंटरनल क्राइसिस जो कभी खत्म नहीं होते उनमें और क्या फ्यूल अप हो गए तो ये देखो हिस्ट्री रिपीट इस्फ सिक्सटी फाइव में हारे थे तो सिक्सटी फाइव में क्या है कि आप देखे जैसे देखोगे तो जनरल अयूब जो थे उन्होंने पावर अपने पास ले ली थी तो वैसे ही क्या है यहां परवेज मुशर्रफ की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने पास पावर ले ली नवाज शरीफ जो थे उनके पास पावर थी तो सून आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ आफ पाकिस्तान बाय पाकिस्तान आर्मी लेड बाय आर्मी चीफ जनरल परवेश मुशर्रफ ठीक है तो जनरल परवेश मुशर्रफ ने क्या किया यहां पे आप अगर चीजों को समझेंगे तो जनरल परवेश मुशर्रफ ने पावर अपने हाथ में ले ली उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं गवर्नमेंट से कुछ नहीं होता देखो तो फिर हार गए तो मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तानी जो कह सकते हैं कि रूलिंग क्लास है पाकिस्तानी जो डोमिनेंट सेक्शन है आर्मी का वो ये कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ हो. क्यों? क्योंकि वो अपनी रोटी सीख रहे हैं ठीक है परवेश मुशरफ ने पावर अपने पास ले ली और जो डेमोक्रेटिक सेटअप था उसको उन्होंने क्या मार दी लात मार से इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इंटरेस्टिंग टॉपिक जी हाँ देखो इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस को समझना बड़ा मजेदार टॉपिक है ये क्यों क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ते आए हो आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या फिर इंडिया फॉरेन पॉलिसी को आप मल्टीपल डायमेंशन समझ रहे हैं आपने देखा कि नॉन अलाइनमेंट को लेकर किस तरह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है ठीक है क्या है नॉन अलाइनमेंट वो सारी चीजें फिर आप देखते हैं कि जो हमारे रिलेशन हमारे नेबर्स के साथ रहे जो कंफ्लिक्स रहे जो पीस प्रोसेस रही है तो कहीं ना कहीं उसको हमारी फॉरन पॉलिसी के थ्रू हमने किस तरह से टैकल किया दैट वी हैव स्टडीड दी अनदर टॉपिक इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी अब देखो चीजें सिंपल है कि न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर एनर्जी जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इंडिया का उसे लेकर क्या स्टैंड रहा है इंडियन गवर्नमेंट का व्हेन इट कम्स टू तो दी फॉरेन पॉलिसी मतलब आप देखोगे आपकी बुक क्या है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस आपने न्यूक्लियर वेपन के बारे में

प्रोग्राम इनिटेड इन दी लेट नाइनटीन अंडर दी अब देखो तो आप अगर हाँ यहाँ पे चीजों को समझेंगे क्या है कि इंडिया आजाद होगा ठीक है अभी आजाद नहीं हुआ करें लेकिन कल को आजाद होगा तो डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है एनर्जी से ही तो सारा विकास हो रहा है ना तो एनर्जी से कैसे कि आपके पास एनर्जी रहेगी तब आपकी इंडस्ट्रीज चलेगी इलेक्ट्रिसिटी होगी तो सारा काम होगा अब तरीके होते हैं अलग अलग एक ट्रेडिशनल तरीका कोल जला रहे हैं ठीक है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरा जो उस समय पे और आज भी मॉडर्न ही है वो तरीका क्या था कि आप न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करें ठीक है न्यूक्लियर एनर्जी का न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किस चीज के लिए करें पीसफुल पर्पज से मतलब हथियार नहीं बना रहे हो आप एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है तो उस उस मतलब उस पॉइंट पर अगर आप देखोगे उस पॉइंट पे फोकस करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने बात करी क्या कि वी शुड गो फॉर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वेपन्स की बात नहीं हो रही कहीं से और एक काम स्टार्ट भी होता है 1940s में अंडर गाइडेंस ऑफ होमी जे भावा ठीक है अब क्या होता है तो अब इंडिया और इंडिया का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हथियारों में हथियारों का मोह नहीं था कि हमें क्या न्यूक्लियर वेपन बनाना है जैसा यूएसए ने बनाया जैसा यूएसएसआर ने बनाया उस समय पर यही थे यूएसएसआर फ्रांस इन देशों ने जिस तरह से बनाया हमें वैसे न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है इंडिया वॉन्टेड टू जनरेट एटोमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्प ठीक स्टीलियर वेपन मिनिस्टर जवाहरलालू न्यूक्लियर है जवाहरलालते थे बना के रखे जा रहे तो उस पैसे से क्या किया जा सकता था डेवलपमेंट किया जा सकता था खास करके इंडिया जैसे देश के लिए ठीक है इंडिया वो आइडियलिस्ट उन्हें तो ऐसा था कि विकास चाहिए कुल मिला के और हथियार बना के ऐसा नहीं है कि आप क्या कर पाओगे डेवलपमेंट कर पाओगे ठीक है तो देखो कोई भी लीडर जो रहता है ना उसके जो एक्शन स्टेप्स जो रहते हैं हम क्या करते करते हैं हैं बाद में क्रिटिसाइज ठीक है उस टाइम फ्रेम को अगर को अगर चीजों समझे तो ऐसा लगता है कि शायद वहां पे वो चीज सही रही होगी गलत भी होती है काफी बार गलत होती है ठीक है लेकिन अगर हम समझे तो वहां पर इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का मूड कैसा था कि न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए एंड वाई ही वॉज अगेंस्ट दी न्यूक्लियर वेपन तो रीजन इज सिंपल आम लगी हुई हथियार बनाया जा रहा है आइडिया क्लियर कर दिया था क्या कि नॉन अलाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव ही क्या है पीस स्टेब्लिश करना दोनों जो ब्लॉक्स है उनके बीच में जो कह सकते हैं कि कंफ्लिक्स आ रहे हैं ना उनको रिजोल्व करवाना है और आप भी अगर न्यूक्लियर वेपन बनाओगे तो आप क्या है उस कंफ्लिक्ट में एक और रंबल रेस बन जाएगी वहां एक तीसरा और कैंडिडेट आ जाएगा ठीक है तो उसके चलते क्या है जवाहरलाल नेहरू का सीधा सा कहना था कि न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है वी प्लीडेड विद सुपर फॉर कॉम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्माट हम तो क्या बोलते थे कि इतना बना के जो रखा है उसको फोड़ो फाड़ो दिवाली पर खत्म करो मतलब कि कॉम्प्रीहेंसिव डिसमेंट की बात करते थे कि जितने न्यूक्लियर वेपन है उन्हें भी क्या कर देना चाहिए एक तरह से डिसआर्म कर देना चाहिए खत्म कर देना चाहिए तो वर्ल्ड में पीस इंश्योर कर सकते हथियार है? है? तो बनाए हैं इनका इस्तेमाल तो अगर दूसरी बार और हो गया ठीक है और उसके बाद में जिस स्केल पे उसको पायलट किया था स्टॉकअप किया करके रखा था न्यूक्लियर वेपन को उस लेवल पर अगर क्या होता इस्तेमाल हो जाएगा तो विश्व नहीं बचेगा पता लग रहा है मार्स वार्स को भी खत्म कर से तो इस तरह से क्या है कि जो इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन किया जा सकता था उसके चलते हमारे लीडर्स जो थे ये तो हो गया आइडियलिस्ट पार्ट ठीक है बात ही नहीं है हमारा पड़ोसी चंट चालाक चाइना ठीक सी, 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 थे, है तो अब क्या कम्युनिस्ट चाइना जो है तो यहां पे कम्युनिस्ट कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर में फोड़ दिया लेकिन फटाका अब क्या होता है तो यहां पे आप देखो कि चाइना जो है 62 में हम लड़ाई लड़े अच्छा हुआ हम लड़ाई लड़े जब इसके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं थे वैसे यूज नहीं करते लेकिन एक पॉइंट बता रहा हूं ठीक है तो डिटरेंस अलग रहता फिर उस समय पे 62 टू की वार के बाद में 64 में इन्होंने क्या कर लिया न्यूक्लियर वेपन जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो यहां से एक पॉइंट आ गया मतलब यहां से एक पॉइंट आ गया बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बात करें लेकिन नहीं ठीक है अभी तक तो जो था ठीक था बढ़िया था एशिया जो है तो पीसफुल रीजन में आ रहा था कि यहां न्यूक्लियर वेपन नहीं है लेकिन अब यहां पे भी न्यूक्लियर वेपन बनने लगे हैं ठीक है इनफैक्ट हमारे पड़ोस में बने और पड़ोस में भी उस पड़ोसी ने बनाया जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है तो इसके चलते क्या है कि कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोले लगे कि अब हमें भी न्यूक्लियर वेपन बनना चाहिए दी फाइव न्यूक्लियर वेपन पावर यूएस यूएसएसआर यूके फ्रांस चाइना ठीक है ये यही पांच देश जो है और ये क्या है तो आप जैसे देखेंगे तो फाइव परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी सिक्योरिटी काउंसिल के ठीक है इनके पास वीटो पावर होती है तो ये पांच पहले से पावरफुल थे पांच के पास में क्या न्यूक्लियर वेपन भी आ गया तो ये तो ऐसा हो गया कि इन पांचों की हेजेमनी हो होगी व्हेन इट कम्स टू दी वेपन्स स्पेसिफिकली न्यूक्लियर वेपन्स इन पांचों की हेजेमनी होगी डोमिनेंस स्टेब्लिश कर लिए ठीक है तो अब क्या देखो ये पांच देश जो थे ना इन्होंने देख लिया चलो अपन ने अपनी व्यवस्था कर ली अपने पास हथियार है बहुत अपने सब कोई नहीं लड़ेगा अपने को कोई आंख नहीं दिखा सकता न्यूक्लियर वेपन रखा है

उनके बारे में जब हमने पढ़ा था तब हमने आपको बताया था तो अब देखो क्या है इन पांचों देशों ने तो क्या है? कि भी अपनी ट्रीटी लाते हैं ये वो, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो इनको अब क्या कर देना चाहिए हमें खत्म कर देना चाहिए तो उन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लेन मतलब क्या मल्टीप्लीकेशन ध्यान करो ट्रीटी क्या बताया था इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली जो जो एनपीटी को साइन करेगा तो हम उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी

अब इंडिया क्या इंडिया उनसे ज्यादा था हमने समझदारी क्या दिखाई हमने अपोज करा इस चीज को अब इंडिया ने अपोज क्यों किया वो पॉइंट भी समझो देखो कहानी समझ में आ रही है ना कि न्यूक्लियर पॉलिसी किस तरह से हमारी मतलब ये न्यूक्लियर वाला जो एंड है न्यूक्लियर वाला जो पार्ट है उस पर हमारी फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रही है ठीक है इन जनरल हम क्या कह रहे हैं न्यूक्लियर पॉलिसी कैसी रही है हमारी तो पहली बात तो हम न्यूक्लियर वेपन के सपोर्ट में नहीं थे लेकिन जब हमारे पड़ोस में बैठा हमारा दोस्त ठीक है देखो क्या बोलते हैं सर्वे भवन सुखने वाला है तो चाइना दोस्त है जैसा भी है ठीक है पीसफुली अगर, अगर वो शांति से रहता तो हम भी शांति से रहते लेकिन उसने न्यूक्लियर वेपन वेपन बना लिए अब उसने न्यूक्लियर बनाए तो हमें चिंता हुई और न्यूक्लियर वेपन बनाने के साथ साथ में उन्होंने क्या किया जो न्यूक्लियर स्टेट्स है उन लोगों ने इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी लेके आए ठीक है ठीके? इंडिया ने अपोज क्यों क्या पता है ने अपोज इसीलिए क्या क्योंकि इंडिया को डिस्क्रिमिनेटरी लगी कैसे तो इंडिया हैज अपोज द इंटरनेशनल ट्रीटीज एमड एड नॉन प्रोलीफरेशन देवर सेबल क्या न्यूक्लियर तो में अब कोई दूसरा देश क्या न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा तो यह तो क्या हो गया यह तो वही वाली बात होगी ना कि पांच देश जो अपनी डॉमिनेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं ठीक है तो इंडिया अपोस्ट दी इंटरनेशनल ट्रीटीज एम्ड एड नॉन प्रोलिफरेशन सिंस देवर सेलेक्टिवली अपीकेबल दी नॉन न्यूक्लियर पावर्स एंड लेजिटिमाइज दी मोनोपोली ऑफ फाइव न्यूक्लियर वेपन पावर्स ठीक है तो इससे क्या होगा कि पांच जो न्यूक्लियर पावर थे उनकी लेजिटिमेसी हो जाएगी उनकी लेजिटिमेसी हो जाएगी तो बहुत सारे देश देश लेकिन जो थे छोटे मोटे उन्हें ऐसा लगता था कि यार अपने को क्या क्या ही करना है है न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन वेपन का क्या वेपन का करेंगे ठीक तो उसके चलते बहुत सारे देशों ने बोला अपन तो एनपीटी साइन करते हैं और न्यूक्लियर वेपन नहीं मिलेगा लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी तो मिल जाएगी विच वॉज दी नीड ऑफ दी आर ठीक है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए सब मरे जा रहे थे तो एनपीटी बहुत सारे देशों ने साइन कर दी लेकिन कुछ देश जो थे इंडिया ने अपोज किया देखो इंडिया के पास अपना वैलिड आर्ग्यूमेंट था कि चाइना जो है हमारा दोस्त अब रहा नहीं है ठीक है तो चाइना जो है चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है हम किसी शर्त पर नहीं करेंगे ये अंदर की बात लेकिन जो पॉइंट हमने रखा वो पॉइंट क्या रखा हमने सीधा बोला कि ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है ठीक है ये डिस्क्रिमिनेटरी कैसी है कि आप पांच देश आप करो सब कुछ आपके लिए और हमारे लिए कुछ नहीं तुमने बोल दिया कि या तो ऐसी ट्रीटी लाओ कि वो आपके भी हथियार खत्म करो ठीक है आपके भी हथियार खत्म करो लेकिन यहां पे क्या है नॉन प्रोलिफिनेशन तो एक तरह की है तो हमने एनपीटी साइन करने से मना कर दिया कि नहीं करेंगे साइन ठीक है बिल्कुल नहीं करेंगे और फिर दूसरी चीज क्या अब हमने मना बोला तो पाकिस्तान हाँ कैसे बोल देगा पाकिस्तान ने भी एनपीटी साइन नहीं करी ने साइन नहीं करी नॉर्थ कोरिया साइन नहीं करे ठीक है तो इस तरह से कुछ देशों ने एनपीटी साइन करने से मना बोल दिया फॉर इंडिया वेंट ऑन फॉर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम और इसी के चलते इंडिया ने बोला हम तो हथियार बनाएंगे हम तो एनपीटी साइन नहीं कर रहे तो मैं मदद नहीं देना है मत दो ठीक है लेकिन हम तो हथियार बनाएंगे तो फिर क्या इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन नाइन 1974 एंड इट वाज पीसफुल एक्सप्लोजन इसका uh, क्या था था पता है था, तो है तो स्माइलिंग स्माइलिंग बुद्धा ठीक तो चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो अब हमें पता था कि हम वेपन जैसी बनाएंगे ना पाकिस्तान पाकिस्तान के लोगों को खाना पीना छोड़ देंगे उनको डर लगेगा सबसे ज्यादा मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डर लगेगा ही लगेगा उसी के साथ साथ क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये जो पांच न्यूक्लियर वेपन बन के बैठे हैं ठीक है उस उस टाइम तक शायद सेवेंटी फोर तक आई गेस इसराइल ने भी न्यूक्लियर वेपन पा लिए थे तो अब क्या होगा कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएंगे ना तो उससे क्या होगा कि नहीं इसराइल ने नहीं पाया थे इस समय तक हमारे पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाएंगे तो वो जो पांच न्यूक्लियर स्टेट्स हैं तो वो पांच न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं वो क्या है आग बबूला हो जाएंगे ठीक है आग बबूला हो जाएंगे अब वो स्टेट्स आग बबूला हो जाएंगे तो हमने क्या सोचा कि थोड़ा सा उनको अपील किया जाए उनको थोड़ा सा उनको क्या किया जाए ऐसा कि आग बबूला ना हो तो उसके लिए हमने क्या बोला कि ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है वो पीसफुल एक्सप्लोजन है ठीक है पराकाष्ठा मतलब आप उसका वो देख रहे हैं नेचर गवर्नमेंट गवर्नमेंट का क्या बोल दिया हम हथियार बना रहे हैं लेकिन शांति के लिए बना रहे हैं हम तो पीसफुल एक्सप्लोजन का नाम दिया ठीक है इनफैक्ट इट वॉज कोड नेम्ड एज स्माइलिंग बुद्धा स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम रखा पोखरण जो है राजस्थान में वहां पे पहला हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया ठीक है न्यूक्लियर वेपन को एक्सप्लोड किया फाइन अब जैसे आप बोलोगे सर ये सक्सेसफुल था फेलियर था तो इसको तो हम पार्शली सक्सेसफुल कहेंगे और अब ये जो टाइम पीरियड था ना ये टाइम पीरियड में क्या होता है ये टाइम पीरियड में अगर जैसे देखोगे तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए सही टाइम पीरियड नहीं था ये क्यों? क्योंकि पीरियड इन इजराइल वॉर चल रहा था अब और अरब में लड़ रहे है वो। हमें क्या लेने देना तो उसके चलते ऑयल क्राइसिस थे अभी इस समय तक इजराइल ने नहीं बनाया क्या बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन ठीक तो है ऑयल क्राइसिस थे उस समय तक अब ऑयल क्राइसिस जैसे कि अरब कंट्रीज जो हैं तो इसराइल के साथ लड़ने में लगे हुए हैं ऑयल सप्लाईज आई है, डिस्कर हो गया तो उसके चलते क्या ऑयल क्राइसिस ऑयल क्राइसिस थे तो हमारे यहाँ हमारी भी क्या डामा डोल हो रही थी फिर क्या इट लेट टू टर्मोइल ये इकोनॉमिक टर्मोइल इन इंडिया रिजल्टिंग इन हाई इन्फ्लेशन महंगाई बहुत ज्यादा मेनी इन आर कंट्री अराउंड दिस टाइम अब क्या है बहुत सारे डोमेस्टिक प्रोटेस्ट भी चल रहे थे आप चैप्टर सिक्स पढ़ोगे ना जब आप चैप्टर सिक्स पढ़ोगे तब आपको चीजें और क्लैरिटी से मिलेगी कि हाँ इस समय पे क्या हो रहा था कंट्री में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे डोमेस्टिक लेवल पे बहुत उथल पुथल थी तो देखो दो एंगल होते हैं एक तो क्या है जो गवर्नमेंट की प्रशंसा करेंगे मैं दोनों पॉइंट बता रहा हूं देखो आई एम ए न्यूट्रल ठीक है आई एम ए न्यूट्रल पर्सन क्यों क्योंकि मैं टीचर हूं मेरी अपनी आइडियोलॉजी होगी अपने घर पर होगी मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो मैं आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं मैं आपके दिमाग पर छोड़ता हूँ आप तय करो क्या सही है क्या गलत है ठीक है तो यहां अगर जैसे हम देखें तो ये पीरियड डिफिकल्ट पीरियड था और इस पीरियड में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना क्या है आप एक तरह से देखोगे तो गलत भी साबित हो सकता है कि मतलब आप दूसरे आप दूसरे मुद्दों पे ध्यान दो ना लेकिन वहीं देखोगे न्यूक्लियर टेस्ट करना गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद हो सकता है फॉर एग्जांपल मान लो कि आज क्या महंगाई बढ़ रही है आज आप देखोगे समस्याएं हैं बहुत ज्यादा और इस बीच में आप क्या पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दोगे तो आप क्या करोगे आप एक वो ले लोगे ना कि मतलब आपने एक्ट ऑफ हीरोइज्म से जो दूसरे प्रेसिंग इश्यूज थे उसकी तरफ से मुद्दा क्या कर दिया डाइवर्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं 74 में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना जो है तो वो एक तो ये था कि गवर्नमेंट अपने क्रिटिसिज्म को बचाना चाह रही थी एक पॉइंट ऑफ व्यू है दूसरा ये है कि लोग ये बोलते हैं कि नहीं उस समय जरूरत थी हमें क्यों क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सिक्योरिटी की बात आती है और जब आप ये आर्ग्यूमेंट देते हो नेशनल इंटरेस्ट सिक्योरिटी तो उस समय पे क्या है कि आप दूसरे सारे आर्ग्यूमेंट्स को कमजोर वैसे ही साबित कर देते हो ठीक है पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिक्स जो होती है ठीक है आप जब आपका मेका, के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट सिक्योरिंग योर इंटरेस्ट तो उस तरह से क्या है कि इन डिफिकल्ट टाइम्स में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया गया 74 में पार्शियली सक्सेसफुल रहा ठीक है स्माइलिंग बुद्धा का कोड नेम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा क्यों कहा है तो वो भी सीरीज चीज बता रहा हूं हम ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हम

स्पाइट ऑफ ऑल दिस ठीक है इंस्पाइड है बट इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस इंडियन पॉलिटिक्स इज जनरली मार्क्ड बाय्रॉड एग्रीमेंट अमंग दार्टीज ऑन नेशनल इंटीग्रेशन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड ऑन क्वेश्चन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ठीक है तो यहां पर आप जैसे देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डिफरेंसेज होते हैं और वह होना चाहिए लेकिन

उसको हम थोड़ा सिक्योर कर सकते हैं कि चाइना न्यूक्लियर वेपन बन के बैठा था हमसे 10 साल पहले ही ठीक है तो हमें ये जरूरी था कि हम भी क्या है न्यूक्लियर वेपन को प्रोसेस करें ताकि वो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बना रहे ठीक है थीके? बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बना रहा है अब जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में अगर चीजों को समझे तो इंडिया प्रोग्राम कैसा रहा है मैंने आपको पॉलिसी बता दी कि हमने क्या सेवेंटी में वेपन क्वायर कर लिए ठीक है अब उस बीच में क्या है जैसे इंडिया ने एनपीटी साइन करने से मना बोल दिया था 68 1968 में एनपीटी जो है वो प्रपोज की जाती है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के द्वारा हमने मना बोला हमने क्या बोला ठीक है इश्यूज एसोसिएटेड विद समझते चलना हमने बोला कि भैया ये डिस्क्रिमिनेटरी है फिर उसके बाद में क्या है वी हैव कंडक्टेड आर फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1974 स्माइलिंग बुद्धा पोखरन वन अपोज दी एनपीटी 1995 ये जो एनपीटी है ना 68 में प्रपोज की गई थी 70 में जैसे लागू हुई तो ये कब तक के लिए थी पहले 1995 तक के लिए थी कि 1995 तक कोई भी दूसरा कंट्री जो है जो एनपीटी साइन कर रहा है वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं करेगा ठीक है अब इसको इसको क्या कर दिया उन्होंने इसको, उन्होंने इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया ठीक है इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया और 1996 में क्या आता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी आती है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी मतलब क्या है इसमें चाहे न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो चाहे ना हो कैसे भी हो मतलब

समझ में इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ट्रीटी को साइन करने से भी मना कर दिया ठीक अब देखो क्या है आपको एक चीज यहां बता देता तो, हूं क्योंकि आगे एनएसजी की जब बात आएगी तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे नॉन ट्रीटी जो है जिसने एनपीटी साइन करी ना उस कंट्री को क्या है एनएसजी ग्रुप में सदस्यता दे दी जाएगी एनएसजी क्या है सर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं ठीक है एनएसजी जो है तो एनएसजी का मतलब है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ठीक है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप अब ये जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है ये क्या है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर क्या होता है कि जो जो देश इस सप्लाई ग्रुप का पार्ट है और अधिकतर कौन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं और वो स्टेट्स हैं जिन्होंने एनपीटी साइन करके रखी तो एक क्राइटेरिया ये है कि जिसने एनपीटी साइन करी है वही एनएसजी का मेंबर बनेगा एनएसजी का मेंबर हो तो आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी अब देखो न्यूक्लियर से न्यूक्लियर यूज़ की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ हमेशा हथियार बनाने के लिए नहीं रहता है पीसफुल पर्पज से भी टेक्नोलॉजी हो गया तो जिससे एनर्जी वगैरह बनाया जा सके ठीक है रॉ मटेरियल वगैरह की अवेलेबिलिटी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें ठीक है तो जो एन के मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में क्या खूब ट्रांसफर करते हैं ठीक है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया रॉ मटेरियल हो गया ये सारी चीज़ें खूब ट्रांसफर करते हैं लेकिन जो एन का मेंबर नहीं है एनर्जी का मेंबर कौन नहीं है तो सारे देश नहीं कुछ फोर्टी फोर्टी फोर कंट्री ही हैं लेकिन इंडिया बनना चाहेगा क्योंकि इंडिया पीसफुल पर्पस के लिए भी तो चाहेगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट आ, पावर प्लांट लगे हमारे यहाँ ताकि हम क्या कर सके एनर्जी प्रोड्यूस करें लेकिन इंडिया को एनर्जी में मेंबरशिप नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी चाइना क्या बोल देता है कि भैया ये एनपीटी का मेंबर नहीं है चाइना भी तो नहीं है एनपीटी का मेंबर तो चाइना तो पहले ही न्यूक्लियर वेपन बन चुका था एनपीटी साइन करने से पहले समझ में आ रही है कहानी तो उसके चलते क्या है इंडिया को एनएसजी में मेंबरशिप नहीं दी जाती है लेकिन इंडिया मांगता है और यूएसए वगैरह तो सपोर्ट भी कर देते हैं लेकिन मना कौन कर देता है मना चाइना कर देता है चाइना बड़ा बदमाश है ठीक है तो ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का एंगल ध्यान रखना भी आगे पड़ेंगे हम हम जो बात कर रहे थे कि इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम जो रहा तो वी रिफ्यूज टू साइन एनपीटी क्यों समझ में आता है आपको ठीक है हमने हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वो कंडक्ट किया 74 में वी हैव अपोज दिन एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी 1995 में आके क्या बोल दिया कि अब से एनपीटी इंडेफिनेटली एक्सटेंड हो गया मतलब अब हथियार जो अभी तक न्यूक्लियर वेपन ले चुके स्टेट उनके अलावा कोई बनाए गए नहीं हथियार ठीक है तो हमने उस चीज को भी अपोज किया ये तो आप अपनी मोनोपोली स्टेब्लिश कर ही रहे हो साथ ही साथ जो कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी लाए जो दिखाने में ऐसी है कि अब तो हम भी टेस्ट नहीं करेंगे आप भी टेस्ट करना बंद कर दो तो दिखने में अच्छी है कि आप भी टेस्ट नहीं करोगे लेकिन आप तो बना के बैठे हो ना हथियार ठीक है तो वी हैव दिस कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी सीटीबीटी को भी साइन करने से हमने मना बोल दिया ना समझ में इसके साथ जो इश्यूज जुड़े हुए हैं तो अब आप जैसे देखोगे कि इंडिया ने जब हथियार बनाया डर किससे किसको लगाया स्वाभाविक है सबसे ज्यादा पाकिस्तान को पाकिस्तान जब से क्रिटिसाइज कराया इन्होंने हथियार बना लिए सैक्शन लगाओ ये वो

एटमोस्फेयर ऑफ फियर क्रिएट नहीं करना चाहते थे तो उस समय हमारे पॉलिसी मेकर्स ने इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी रही है अब देखो हर चीज का स्ट्रेटेजिकली डिफेंड होती है ऐसा नहीं कि हमारे इंटर, हम मतलब बहुत सत्यवादी हरिश्चंद है लेकिन हम उसको प्रोजेक्ट वैसा करते हैं ठीक है ठीके? तो क्या पॉलिसी रही है इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी की वर्ल्ड वाइड माहौल जो पैनिक है टेंशन है वो क्लियर ना हो तो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन

नो नो फर्स्ट फर्स्ट यूज यूज का no मतलब कि हम कभी किसी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला करेंगे नहीं सपोज हमारी इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है तो हम पहला इंसान नहीं होंगे जो न्यूक्लियर वेपन दागे ठीक है आप न्यूक्लियर वेपन दाग सकते हो हमारे ऊपर क्योंकि आपका कोई नो फर्स्ट यूज नहीं है लेकिन आपने न्यूक्लियर वेपन दाग दिया उसके बाद जरूर हम भी दाग देंगे ठीक है तो इस तरह से क्या हमने लगते पहले हम नहीं मारेंगे बोलते ना पहले तुम तुम तरह से ऐसा है कि आप अगर आप न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करोगे तो हमारे पास भी रखा है हमने चुड़ी नहीं पहन के रखी है तो हमने इस तरह से हमारी पॉलिसी में क्लियर कर दिया एंड रिट्रेड इंडिया कमिटमेंट टू ग्लोबल वेरिफाइबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसमामेंट लीडिंग टू न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड तो यह तरह से बताता है कि हाँ हमारा कमिटमेंट है कि ग्लोबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर हो अगर आप वर्ल्ड वाइड सभी अगर ऐसा बोल रहे हैं कि चलो सभी न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देते हैं तो हम भी खत्म कर देंगे तो हमने यह कमिटमेंट दी है हम कि डिस्क्रिमिनेटरी तरह से अगर आप खत्म करोगे कि कुछ स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन रहे कुछ के पास नहीं रहे तो उस चीज में हम आपके साथ नहीं देते हैं अब देखो आ, ये आप देखो थोड़ा सा बताया गया पोखरण वगैरह में टेस्ट हुआ तो पूरी जमीन हिल जाती है ठीक है तो भूकंप वगैरह उस तरह की स्थिति हो जाती है आप यहां जिसे देखोगे तो ये समुद्र वगैरह में भी कहीं टेस्ट अगर होता है तो इस तरह से क्या है कि माइनर अर्थक्वेक्स आ जाते हैं और अंडरग्राउंड टेस्टिंग हो रही है तो और इसी चीज को अगर जब किसी कंट्री के ऊपर गिराया जाएगा तो सोच लो क्या

Uh, वो एड कर दिया है अपना एक पुश लगाया है तो वो क्या है इंडिया है कि न्यूक्लियर वेपन डेटरेंस क्रिएट करने के लिए बढ़िया है इस्तेमाल लड़ाई के लिए नहीं कर रहे हैं नो फर्स्ट यूज का प्रोविजन रख लिया है ठीक है बट इन व्यू ऑफ कंटेम्प्री रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस लेकिन ये जो नो फर्स्ट यूज का प्रोविजन है ना अब डिबेटेबल है क्यों क्योंकि आप देखोगे तो पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कभी कभी कुछ मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं जिसके चलते क्या है तो जो हमारी गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज मेड इट क्लियर दैट दी पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज कैन बी रिव्यूड एंड चेंज इन कॉन्सोनेंस विथ इंडियाज रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी हमने क्या बोल दिया कि देखो इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना इंडिया जो बदलती सिक्योरिटी चैलेंजेस है टेररिज्म वगैरह ये वो ठीक है बॉर्डर जो हो रहे हैं टेंशन जो डेवलप होता है तो कभी कभी क्या है

ठीक है तो ये हमने क्या करा ये अपडेटेड पार्ट जो तो गवर्नमेंट ये बताना चाह रही है कि इस तरह से इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी उसमें एक पैराडिम शिफ्ट ये भी है कि क्या है ये जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है परमानेंट नहीं है टेम्प्ररी है इट कैन बी इट कैन बी चेंज इन इनसो इंडिया रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी फाइन इन एडिशन इंडिया इज कमिटेड टू इंश्योरिंग इट्स मेंबरशिप इन न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप अब मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो है तो उसमें इंडिया की मेंबरशिप नहीं है कारण कि इंडिया एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है लेकिन इंडिया पुश कर रही है अपने आप को किस चीज के लिए कि हमें न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की मेंबरशिप

With other nations. With other nations. अब आप इस टॉपिक को अगर बुक में ढूंढ रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि जो एडिशनल मटेरियल है ना जो सीबीएसई सर्कुलर इशू करती है तो जैसे अगर हम देखें थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं चैप्टर वन हमने पढ़ा टू हमने पढ़ा ठीक है टू जो कि बुक में नहीं था लेकिन हमने पढ़ा मतलब बुक में था लेकिन यहाँ पे सिलेबस में नहीं था लेकिन वो आप आगे पढ़ोगे जैसे कांग्रेस सिस्टम है ठीक है तो टॉपिक सारे इंटर रिलेटेड मैं आपको गाइड करते चल रहा हूं देखो तो अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन की सर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो सीधी सी चीज है कि सब पढ़ लो फाइन सब पढ़ लो तो अपने आप कुछ छूटेगा नहीं फिर तो तो जैसे हमने ये सारे टॉपिक्स कवर करे थे तो उसमें कुछ कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं ठीक है कुछ कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं जैसे आप देखो कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नीति आयोग एडिशनल था फाइन तो उसी तरह से आप इस चैप्टर में अगर देखते हो इंडिया फॉरन पॉलिसी में ठीक है जिसका पुराना नाम क्या था इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन तो इसमें क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरन पॉलिसी हमने समझ लिया है India's changing relations with other nations, ये ये है 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 में 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 आपको आपको इस में ऐसा कोई नहीं मिलेगा लेकिन ये जो आपको पढ़ना है, अब क्या कह रहा है? सिंपल है देखो India's changing relations with other nations. तो दूसरे देशों के साथ में हमारे जो रिलेशन बदल रहे हैं या फिर जो रिलेशन रहे हैं वो सारी चीजें तो अब इसमें क्या क्या है जैसे आप देखोगे यूएस तो आप मैं आपसे कहूंगा कि ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो कहा तो अब जब यूएस के साथ बात करते तो यूएस हेजेमनी वाला जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको इंडिया यूएस रिलेशन समझाया था और वहां बोला भी था कि ये टॉपिक्स ध्यान रखना है आगे जाके लिंक होंगे ठीक है तो हम यूएस के साथ रिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे ठीक है बुक वन का चैप्टर थ्री बुक वन का चैप्टर टू रशिया तो इंडिया रशिया के रिलेशन ठीक है इंडिया इन दी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में हमने पढ़ा है इंडिया रशिया हम वहां कंप्लीट कर चुके हैं तो उस तरह से आपको क्या है जैसे जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर वाला एंड ऑफ बायोपोलरिटी वाला चैप्टर था तो उसमें आपने इंडिया रशिया के रिलेशन को पढ़ लिया है तो हम रिपीटेशन नहीं करेंगे मैं आपको गाइड कर दे रहा हूं फिर से फिर आप चाइना की बात करेंगे तो चाइना में क्या है जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर वाला चैप्टर है आपकी बुक का बुक वन का तो उसमें इंडिया चाइना के रिलेशन को हमने समझ लिया है. इंडिया चाइना के रिलेशन को समझ लिया इस चैप्टर में भी पढ़ा है क्या कंफ्लिक्ट क्या पीस कैसे सेटलमेंट हुआ वो सारा सब कुछ ठीक है अब बचा क्या है इसराइल ठीक है तो इंडिया इसराइल जो है तो इंडिया इसराइल हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस वीडियो में इंडिया इसराइल तो मैं आपको बता दूंगा आपका जो एडिशनल मटीरियल है उसमें आपको दिया भी गया है और कंटेंट ठीक है तो एडिशनल मटीरियल वाला जो पीडीएफ है उससे आप क्या कर सकते हो तो इंडिया इसराइल का कंटेंट ले सकते हो फिर क्या है इंडिया रिलेशन विद इट्स नेबरर्स तो पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल अब पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल की बात करें तो पाकिस्तान हमने इस वीडियो में पढ़ा है मतलब इस चैप्टर में पढ़ा है प्रीवियस वीडियोज में हम पढ़ के आए चीजों को बांग्लादेश के साथ बात करोगे तो बांग्लादेश के साथ हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा है साथ ही साथ अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो जो साउथ एशिया एंड दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला चैप्टर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका ठीक है इन सब के बारे में पढ़ा है म्यांमार रह गया है म्यांमार रह गया है जी हाँ ये मुझे भी ध्यान में आया ये तो उसमें भी नहीं आया था ठीक है ना म्यांमार भी हम कवर कर लेंगे एक वीडियो में म्यांमार कवर कर लेंगे म्यांमार हम वहां पे कवर कर सकते हैं फिर क्या है इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है तो अपडेटेड पार्ट जो था वो सारा सब कुछ हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं तो कायदे से अगर देखा जाए तो जो आपको एडिशनल मटेरियल दिया है उस एडिशनल मटेरियल में इसराइल और इंडिया का रिलेशन दिया है ठीक है म्यांमार एक पॉइंट है तो इसे हम क्या करेंगे एक स्पेसिफिक वीडियो में हम आपको बता देंगे पढ़ा देंगे ये तो मतलब नजर से ही छुट गया था हमारी ठीक है म्यांमार भी बता देंगे तो इसराइल जो है

तो जराइल वर्ल्ड के मैप पे था ही नहीं 1948 तक ठीक है था ही नहीं था तो सर फिर उसको इंडिपेंडेंस कैसे मिली तो जो रीजन ब्रिटिश कंट्रोल में था ठीक है जैसे का वाला जो रीजन था जहां पे पे भी भी क्लेम करता है है जहां पे भी आज बना हुआ है, तो वो रीजन ब्रिटिश कॉलोनी था कब तक 1948 के पहले तक 1948 में ब्रिटेन अमेरिका ठीक है इन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया है एक देश बना दिया ठीक है एक देश बना दिया और जो देश बनाया गया आ, जैसे आप देखोगे तो इजिप्ट के बाजू में जो देश बनाया गया है वो देश क्या कहलाया कहला कहला तो अगर देखा जाए कि दो ब्रिटिश रूल से ही निकल के ऐसा कहेंगे इंडिया भी कॉलोनियल स्टेट था इसराइल बन गया यहां पर अब इसराइल है ना तो इसराइल की अगर हम बात करें तो जैसे क्या हो रहा है कि यह कहा जा रहा है कि पैंतालीस साल हो गए दोनों देश को आजाद हुए एक लंबे समय तक कोई टाइज नहीं रहे ठीक है किसी भी तरह से कनेक्शन नहीं रहा है और उसके पीछे क्या है मल्टीपल रीजन रहे मल्टीपल रीजन क्या रहे सबसे सबसे पहली सब पहली चीज चीज तो क्या इज नॉट अ सेक्यूलर कंट्री सेक्यूलरिज्म की बात नहीं कर रहा है वो ठीक है वहां पे जुइस रिलीजन को जूस रिलीजन को फॉलो करने वाले जो लोग हैं ठीक है थीके? तो जूस uh, कह सकते हैं रिलीजियस आइडेंटिटी को नेशन का बेसिस माना गया है तो उसको क्या कहा जाएगा एक ठीक है रिलीजन ऑन दी नेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अब क्या है हमारे फाउंडिंग फादर्स जो रहे कॉन्स्टिट्यूशन के तो उनका कहना सीधी सी चीज थी कि एक सेक्युलर कंट्री जैसे हमने पाकिस्तान को भी रिलीजन के बेसिस पे जब बनाया गया तो हम पाकिस्तान के साथ नाखुश इसी चीज को लेकर थे कि वो रिलीजन के बेसिस पे बनाए ठीक है आप जो है सेक्यूलर वैल्यूज को अपहोल्ड करो मॉडर्न वैल्यूज को अपहोल्ड करो तो इसराइल के साथ ये एक दिक्कत रही है और इसराइल क्या है फिर वेस्टर्न ब्लॉक का साथ ही ठीक है वेस्टर्न ब्लॉक का साथ ही दूसरी चीज रिलीजन के बेसिस पे बनाया गया तो जो शुरुआती दौर रहा है पॉलिटिक्स का इंडियन पॉलिटिक्स का उसमें इसराइल के साथ रिलेशनशिप उतने मजबूत नहीं थे उतने कह सकते हैं कि, कि किसी तरह के टाइज ही नहीं थे इनफैक्ट हमने इसराइल को रिकोगनाइज ही कब क्या पता है, 1950 में रिकोगनाइज किया है एज ए नेशन 48 में बन गया था लेकिन दो सालों तक तो हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया फिर अंडर दी प्रेशर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज कहीं ना कहीं हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हां ये भी एक देश है मान लिया चलो मैप पे गिनती कर लो लेकिन रिलेशन जो है तो रिलेशन फॉर्मल स्टेब्लिश नहीं होते हैं ठीक है दो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड इसराइल हैव गॉन बैक फ्रॉम टाइम इन मेमोरियल लेकिन अगर टाइज देखा जाए तो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड इसराइल तो हम बोला सर इसराइल बनाई फोर्टी एट में तो हिस्टोरिकल टाइज कहां से आ जाएंगे मतलब जो लोग हैं इसराइल के ठीक है जो इस पॉपुलेशन जो है तो उनके बीच में और इंडिया के बीच में हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज जो है वो बहुत पुरानी है कैसे कि जब जगह जगह से जूस माइनोरिटीज जो है उन्हें क्या किया जाता था अब इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है जैसे अगर आप देखोगे तो सेमेटिक रिलीजन जो है मैंने आपको पहले भी बताया इस बारे में तो क्या होता है कि मुस्लिम्स हो गए एक समय तक मुस्लिम से लड़ाई लड़ी उससे पहले क्रिश्चियन से लड़ाई रही किसने जूस ने तो जूस जो जिन्हें जैसे जुडाइज्म भी कहा जाता है इस धर्म को तो जुडाइज्म के जो फॉलोवर्स थे वो क्या है जगह जगह क्या करते रहे जगह जगह एक जगह से दूसरी जगह उन्हें क्या करना पड़ता था डिस्प्लेस होना पड़ता था उनका कोई होमलैंड नहीं था ठीक है इसराइल को जैसे क्या कहा जाता है जूस होमलैंड कहा जाता है कि हां जितने भी ज्यूस हैं उन सभी का क्या है ये एक तरह से होमलैंड है फाइन तो उसके पहले क्या था जब उनका कोई घर नहीं था तो इधर उधर अलग अलग देशों में जब जाते थे तो तब कहा है इंडिया में शरण दी गई है तो इसके चलते क्या है कि जितने भी इसराइल के लीडर्स रहे जो जूस पॉपुलेशन रही है तो इंडिया के एक क्या है वो हिस्टोरिकल टाइम को जोड़ के रखा उन्होंने कि नहीं जब हमें दुनिया से भगाया जा रहा था यूरोप से भगाया जा रहा था जब तब इंडिया में हमें शरण मिली थी तो चंक in अब चंक ऑफ जूस पॉपुलेशन ठीक है फॉलोइंग द दुडाइज इज सेटल्ड इन इंडिया सिंस टाइम इमेमोरियल ठीक है अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर बात करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर्मली डेवलप्ड बिटवीन द टू आफ्टर दी ओपनिंग ऑफ इजराइली 1992 1992 में क्या है इसराइली एम्बेसी जो एस्टैब्लिश की गई इंडिया में और उसके बाद में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ है ठीक है आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे अटैक अटैक भी हुआ इसराइली एम्बेसी के बाद में अब उसके उसमें मल्टीपल एंगल्स आ जाते हैं देखो इसराइल जो है ना तो इजराइल और इस्लामिक कंट्रीज जो है ठीक है

Uh, Jewish, जो है ठीक है है जो तो Judaism वाला एक आइलैंड कंट्री बन गया है ठीक है 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 इज नॉट बाय द अरब नेशंस और इनफैक्ट क्या कि वो किसके कॉस्ट कॉस्ट पे पे बना है? पे बना पैलेस्टीन के तो पैलेस्टीन को कॉस्ट पे करना पड़ रही है कैसा है कि पैलेस्टीन का एरिया घटता चले जा रहा है इसराइल बढ़ता चले जा रहा है तो उसके चलते अरब कंट्रीज जो है वो इसराइल को क्या करते हैं अरब कंट्रीज इसराइल को मतलब एक तरह से हराने की कोशिश करते हैं लेकिन हरा नहीं पाए आज तक और उनके बीच में कंफ्लिक्ट चलता रहता है ठीक है अब क्या है और उसी के चलते अगर आप देखोगे तो इसराइल जो है इसराइल को इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं तो टेररिज्म वगैरह इन सारी चीजों का आप सामना करना पड़ता है इसराइल भी क्या करता है इसराइल भी जिसे अगर आप देखो तो रिटेलिएट करता है वॉयलेंस के साथ में तो ये एक सिचुएशन जो है वो क्या है हमेशा टेंस्ड रहती है इसराइल और अरब नेशंस के बीच में ठीक तो आफ्टर दैब्लिशमेंट ऑफ दी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन तो एक लंबे समय तक क्या हम भी जैसे अगर देखा जाए तो हमने क्या सोचा कि पजड़े में ना पड़े तो कोई डिप्लोमेटिक टाइज थे नहीं 1992 के बाद थोड़ा रियलिस्टिक होना स्टार्ट होता तो है हमने सोचा कि बैलेंस किया जाए दोनों को अरब नेशन को भी जैसे पेलेस्टीन को भी हम ड्यू रिकग्नेशन देते हैं और साथ ही साथ इसराइल को भी देते हैं ठीक है तो आफ्टर द स्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन द रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज स्टार्टेड गेनिंग फॉर्मनेस इन नाइन एंड नाइन ऑनवर्ड्स 1996, 1998 onwards क्या दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ी इसके पीछे का एक कारण और बताऊं मैं आपको कारण समझना इसराइल और यूएसए बहुत पक्के दोस्त अब क्या होता है कि इस समय तक अगर आप देखोगे ना 1992 के पहले तक हमारी यूएसए से भी नहीं बनती थी उतनी ज्यादा तो इसराइल से भी नहीं बनती थी ठीक है लेकिन अब जब यूएसए से बनना चालू हुई तो दिखती बात है कि वो मतलब ऐसे कॉमन फ्रेंड हो जाते हैं ना तो कॉमन फ्रेंड होने लगा और इनफैक्ट आप देखोगे नाइनटीन के बाद में क्या होता है 1999 आता है बोलोगे वाह सर पता है हमें अब नाइनटीन जो आता है तो इसमें क्या होता है कारगिल कन्फ्रेंटेशन अब कारगिल के युद्ध में पता क्या होता है अनकंडीशनल हेल्प कौन देता है हमें इसराइल जराइल जो है तो हमें क्या मतलब इंटेलिजेंस गैदर करने में और मिलिट्री सपोर्ट जो है वो इसराइल देता है 1919 में में 1999 में जो कारगिल हम पढ़ के आए इस चैप्टर में उसमें इसराइल हमारी मदद करता है ठीक है क्यों मदद करता है सर उसने बदले में कुछ नहीं मांगा बस ये बोला कि जब ये सारी इस्लामिक कंट्रीज क्या करती है अरब नेशन जो है वो इसराइल के ऊपर हमला करते थे तो पाकिस्तान वगैरह सब किसके साथ हो जाते थे अरब कंट्रीज के साथ में तो अब पाकिस्तान अगर किसी के साथ कंफ्लिक्ट में आएगा तो हम उस देश का साथ देंगे इंडिया को बड़ा अच्छा लगा अरे ये तो दोस्त है हमारा ठीक है तो वहां से क्या है रिलेशंस इंप्रूव होते चले गए ठीक है रिलेशंस बिटवीन टू डेमोक्रेटिक नेशंस फर्दर इंटेंसिफाइड विद द विजिट ऑफ टू हेड्स ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है तो ये बिकेम दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री टू विजिट इजराइल इजराइल से पहले कोई नहीं गया था मोदी जो है पहले प्राइम मिनिस्टर में वो इंडिया आते हैं 2018 में ये फोटोज आपने बहुत ज्यादा देखी होंगी मतलब वो गाड़ी, गाड़ी में बैठ रहे हैं समुद्र के कोने कोने बीच में घूम रहे हैं ठीक है दोस्ती देखी थी ना आपको ठीक है वो फोटोज आए थे उसके बाद में फिर टू में बेंजामिन नितन याहू जब आए थे इंडिया तो वो भी अपनी वाइफ के साथ ताजमहल वाजमहल घूमने गए थे तो इस तरह से क्या है ताजमहल गए थे होटल ताज भी गए थे ठीक है तो ये सारे जो इवेंट्स हुए वो मैंने आपको बताया आ... टू नेशनस है इन वेरियस फील्ड लाइक कल्चरल एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंटर टेरिज्म काउंटर टेरिज्म क्योंकि दोनों ही देश इस चीज से परेशान है तो अब क्या होता है ना कि आप दोनों ही अगर किसी एक पॉइंट पे परेशान है तो वो पॉइंट आप दोनों को क्लोज जरूर लाता है ठीक है वो हो गया स्पेस रिसर्च वॉटर वाटर अब एक देखो यहाँ पे एक छोटा सा देश है समुद्र के किनारे देश है पीने का पानी को इतना ज्यादा नहीं लेकिन वो सी वॉटर को इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है थीके? और अपनी वॉटर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं खेती कर ले रहे हैं बताओ ठीक है तो इस तरह से वॉटर एंड एनर्जी एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट तो इन

जो है शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एस सच इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा अब लेकिन टॉपिक जो है ना इसमें कुछ एक अलग एंगल है वो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको प्यार से मजा आएगा देखो क्या अंडरस्टैंड तो क्या कह रही है heading? क्या बताया आपको नो बडी इज परमानेंट फ्रेंड एंड नो बडी इज परमानेंट एनिमी देयर आर नो फ्री लंच इन इंटरनेशनल रिलेशन ठीक है इंटरनेशनल रिलेशन में कोई फ्री लंच नहीं होते हैं मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में आप देखोगे तो सबसे ऊपर क्या होता है और यही होना चाहिए कि आपका नेशनल इंटरेस्ट देश को जहां से फायदा है देश वहां वैसे डिसीजन ले ठीक है तो ये जो टॉपिक है ये आपको इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन के कंटेक्स में पढ़ना की हमारी फॉरन पॉलिसीज जो होती है ना अल्टीमेटली फॉरन पॉलिसीज आर गाइडेड बाय दीज फैक्टर्स और वो आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में समझाता हूँ जैसे अगर आप देखेंगे देखो थीम भी है और टाइम लाइन भी है मतलब वो थीम जो हम पकड़ रहे हैं वो तो पकड़ के रखना है टाइम लाइन भी समझते चलना है अभी आप जैसे देखोगे तो मैनी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट केम टू पावर इन इन दीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम सेवनटीन 1977 तक ठीक है आजादी के बाद से अगर देखोगे 47 से 57, 67, 77, 30 साल तक अगर जैसे देखेंगे तो नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट रही वो कांग्रेस ही रही है ठीक है कभी कमजोर कभी मजबूत लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट रही है 77 में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है जनता गवर्नमेंट ठीक है अब पहली जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी देखो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ना वो क्या करेगी दिखती बात है दूसरे देशों को लेकर ठीक है किसी देश के तरफ टिल्टेशन किसी देश के तरफ नहीं टिल्टेशन वो भी चेंज होगा तो जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई जैसे जनता पार्टी आई जनता पार्टी इज कमिटमेंट टू अलाइनमेंट जनता पार्टी का क्या कहना था वी विल

लेकिन ये तो क्या बात कर रही थी जनता पार्टी की जेनुअन नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे चलो हमने मान लिया कि झुकाव खत्म करके नॉन अलाइन हो जाओगे लेकिन फिर इसके बाद में जो गवर्नमेंट आएगी जनता पार्टी के जाने के बाद फिर कांग्रेस आएगी ठीक है फिर कांग्रेस के बाद में फिर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आएंगी तो बाद में जो कांग्रेस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उनका झुकाव इधर हो गया मतलब यूएस की तरफ वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ ठीक है तो ये जो हमारा डोमेस्टिक कह सकते हैं पॉलिटिक्स का सिनेरियो था पूरा इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का पूरा का पूरा सिनेरियो का जो भी इंपैक्ट आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में में इंटरनेशनल कैसे देखने को को मिलेंगे इस चीज समझो देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कहानी सीधी सी बताता हूं मैं आपको कि क्या है कि आप सोवियत से किधर शिफ्ट कर रहे हो यूएस की तरफ शिफ्ट कर रहे हो यहां पे आप और भी बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करो कि क्या हो रहा है कि यूएसएसआर जो है ठीक है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है ठीक है डिस इंटीग्रेट हो जाएगा यूएसएसआर अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन उसके साथ साथ में क्या यूएस हेजेमनी ठीक है यूएस हेजेमनी आपको देखने को मिलेगी और फिर क्या होगा फिर आप देखोगे तो जैसा मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में जो हम पढ़ के आए क्या क्याल के साथ में हमारे रिलेशन इंप्रूव हुए तो हम अपने पार्टनर्स को भी क्या करेंगे चेंज करेंगे तो यूएसएसआर जो है यूएसएसआर के डिस के बाद में ऐसा नहीं कि इंडिया ने बोल दिया अब अब दोस्ती नहीं रख रहे ऐसा कुछ नहीं हुआ है लेकिन आप अगर चीजों को समझेंगे तो क्या हो रहा है कि यूएसएसआर की जब सिग्निफिकेंस कम हुई तो ऑटोमेटिकली हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए किधर नहीं मतलब है इंटरेस्ट मतलब तो आया हमें यूएस में इंटरेस्ट आया तो इस तरह से शिफ्टिंग अलायंस इन पॉलिटिक्स तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया के परस्पेक्टिव से आपने देखा होती है वैसे ही वर्ल्ड में हर कंट्री का एक समय पे जैसे अगर आप देखेंगे तो चाइना के साथ तो लड़ाई हुई थी तो बस ऐसे रहते थे हमेशा लेकिन क्या हो रहा है कि जब आपको इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपके हेवी हो जाएंगे यहां पे देखोगे तो आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट जब हो जाएंगे तो आप क्या है कि वो मिलिट्री इंटरेस्ट को उतना डोमिनेंस नहीं नहीं दोगे नहीं दोगे प्रोमिनेंस ठीक है वो पाकिस्तान के केस में भी अप्लाई होता है चाइना के केस में भी फाइन अगर आप जिसे देखिए तो इंडियन फॉरन पॉलिसी में जो जो अभी मेजर ड्राइवर्स हैं तो एक पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन और एक यूएसए के साथ हमारे रिलेशन ठीक है यूएसए के साथ और पाकिस्तान के साथ क्यों तो पाकिस्तान के साथ कंफ्लिक्टिंग रिलेशन रहे और यूएसए के साथ प्रोग्रेसिव रिलेशन को समझा जाता है कि आप यूएस की जब हैजे मनी तो आपको यूएस के साथ रिलेशन सही रखना पड़ेगा ना मतलब जिसका बोल बाला है उससे आप लड़ाई नहीं कर सकते हो तो उस तरह से क्या है कि यूएस वही वाली बात है जो हमने बुक वन में पढ़ा है कि यूएस हैजे को आप डायरेक्ट अगर चैलेंज करोगे तो आप बहुत छोटे पड़ जाओगे वो तो ये है कि उस हेजे की छतरी के अंदर में अपन भी चलते चलो ठीक है एडवांटेज ले चलो वो रहता है तो फॉरिन पॉलिसी इज ऑलवेज डिक्टेटेड बाई द आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट वॉट आई हैव एक्सप्लेन जस्ट नाउ

ठीक है तो उस तरह से क्या है कि आइडियलिस्टिक नहीं होना आपको रियलिस्टिक होना है रियलिस्टिक अगर जैसे आप देखोगे तो नेशनल इंटरेस्ट को अगर आप ऊपर लेकर चलोगे कि हमें और किसी चीज से मतलब नहीं इसराइल में क्या हो रहा है पैलेस्टीन में क्या हो रहा है ह्यूमिटेरियन ग्राउंड जो है वो अलग चीज है बाकी हमें दोनों ही देशों को क्या करना है बैलेंस करना सीखना होगा क्योंकि दोनों ही देश हमारे लिए जहां जरूरी है हम उनके साथ क्या करेंगे उस तरह से रिएक्ट करेंगे उस तरह से उनके साथ एंगेज करेंगे तो नेशनल इंटरेस्ट जो है तो नेशनल इंटरेस्ट क्या होगा वो आइडियलिज्म किया जा सकता है रियलिज्म के समझे तो फॉरेन पॉलिसी जो है आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ठीक है अब जैसे अगर आप देखोगे तो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है, मैं है कि यूएसएसआर के डिस इंटीग्रेशन के बाद में हमने किस तरफ शिफ्ट करा

वर्ल्ड स्टेज से यूएसएसआर जो कि एक चैलेंज मतलब एक पोल था किसके अगेंस्ट में जब वर्ल्ड बाइपोलर था यूएस के अगेंस्ट में लेकिन वो एक पोल कोलैप्स हो गया तो अब वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया अब तो हमें चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी किधर जाना पड़ेगा यूएस की तरफ ही जाना पड़ेगा ठीक है तो यहां पे वही कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिचुएशन सिचुएशन जो भी हो ठीक है उसके साथ साथ हम अपने क्या देखते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी देखते हैं और उससे हमारी फॉरन पॉलिसी इन्फ्लुएंस होती है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है इंडिया और चाइना इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे आप देखोगे तो इंडो पार्क को तो हम पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले चाइना का अगर बताऊं कि मिलिट्री कंफ्लिक्ट उसकी स्ट्रेटेजी हमेशा कह रही है इंडिया को काउंटर करने वाली रही है लेकिन फिर भी इंडिया क्या करता है चाइना के साथ कॉपरेट करता है क्योंकि वहां पर जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ठीक है कि ऐसा यहाँ चाइना के साथ में एंगेज होके चाइना के साथ कॉपरेट करके हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली क्या कर सकते है? इंडिया को बेटर पोजिशन पर ले जा सकते हैं तो यहां पर क्या है कि कंटेम्प्री इंटरनेशनल है? है कि, कि चाइना को बस किसी है, इंडिया क्या है? उन को सिक्योर करेंगे पहले और दूसरी चीज यह है कि हमें क्या दिख रहा है वहां पे हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिख रहा है ठीक है और यही चीज पाकिस्तान के केस में भी अप्लाई होती है कि आप देखोगे कि मिलिट्री इंटरेस्ट जो है ठीक है मिलिट्री इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ तीन तीन बार

उसको कंसिडर करते हुए भी आप जैसे देखोगे टू कंट्रीज देर हैव बीन मेनी एफर्ट्स टू रिस्टोर नॉर्मल रिलेशन तो कश्मीर का इशू लेके चलते हुए भी दोनों कंट्री प्रयास करती क्या है कि रिलेशन को सुधारा जाए फाइन दिस मीन्स दैट कल्चरल एक्सचेंजेस मूवमेंट्स ऑफ सिटीजन एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन ज बाय बोथ कंट्रीज तो दोनों ही कंट्रीज प्रयास करती है एट टाइम्स क्या होता है कि वो जो मिलिट्री इंटरेस्ट आ जाते हैं बीच में कंफ्लिक्स लड़ाई हो जाती है तो वो नेगोसिएशन हो जाते हैं लेकिन अल्टीमेटली फिर आप देखते हो कि पीस स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट सो ये कुछ आपको एक पर्स्पेक्टिव सोचना होगा इस पर सोच विचार करना चिंतन मनन करना आंख बंद आँख बंद करके बैठना और सोचना कि किस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अलायंस जो है वो परमानेंटली होती शिफ्ट होती रहती है चैप्टर हो हमारे यहाँ पे कंप्लीट इन्जॉय ठीक है तो आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया ठीक है आपने आ, सारे डायमेंशन को समझने की कोशिश करिए अब ये थीम बेस्ड चैप्टर था नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपको टाइमलाइन बताएगा कि किस तरह से वन पार्टी डोमिनेंस के बाद में किसका डोमिनेंस आया क्या और वो पूरी कहानी है तो स्टोरी लाइन जो है अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको जानने को मिलेगी आशा करते हैं आपने चैप्टर को एंजॉय किया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा इंपॉर्टेंट चीज एक और सुनते जाइए मैग्नेट प्रिंस पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं ये सभी वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब पर देख सकते हैं साथ ही साथ वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं करना क्या होगा आपको मैगनेट प्रींस डॉट कॉम सिंपल सर्च करना है गूगल पर आपके सामने इस तरह से एक वेबसाइट खुलेगी वेबसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा सारी क्लासेस होंगी आप जिस भी क्लास में अपनी क्लास को सेलेक्ट कीजिए उस क्लास के सब्जेक्ट सारे आपके सामने ओपन अप हो जाएंगे ठीक है आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है सब्जेक्ट को तो सेलेक्ट कीजिए तो उस सब्जेक्ट के जो चैप्टर है टॉपिक है सब कुछ अरेंज होगा ठीक है फिर घर बैठे आराम से सिलेबस कंप्लीट करो अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए क्योंकि किंडर गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक सारा सब कुछ मैग्नेट बीम्स पर इसी तरह से अवेलेबल है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच